हाय गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप। यस, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडे इज आवर समर क्लास फॉर द एंटीबायोटिक्स। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंड इन दिस क्लास वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक्स अगेन। एंड दिस इज बेसिकली अ रिविजन क्लास, एंड ईच एंड एवरी स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट। सो हर एक स्लाइड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सो प्लीज स्टे फोकस्ड, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग एंटीबायोटिक्स टूडे इन दिस क्लास, फाइनली फाइनली फाइनली। एंड लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स सो दैट सारे आ जाएं, एंड देन वी कैन स्टार्ट द टूडेज सेशन। हाय महेश। हेलो, व्हाट्स अप व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप गाइस। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शिविरमानी, मेडिकल स्टूडेंट, एंड आई एम हैविंग अ यूट्यूब चैनल एज वेल, राइट। आई मेक बेसिकली आई ट्राई टू शो एमबीबीएस लाइफ एंड आई लव टू डिस्कस क्लिनिकल केसेस देयर। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड माई चैनल एज वेल। एंड गाइज, अनअकैडमी, वाई अनअकैडमी इज प्रेफर्ड? अनअकैडमी इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द थ्री रीजन्स। जैसे मैंने हर क्लास में बोला है, अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू द बेस्ट एंड द क्वालिटी कंटेंट एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एंड ये दोनों चीजें आपको बेस्ट एडुकेटर्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो अनअकैडमी, इफ यू वॉन्ट टू बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन, सो यूज द कोड VIRMANI एंड गेट 10% ऑफ, राइट। एंड ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू दीज कोर्सेज लाइक स्ट्रैटेजी कोर्स ऑन डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन कोर्स ऑन जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एरर्स इन पीडियाट्रिक्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कोर्स। एंड कैप्सूल कोर्स ऑन मेडिकल रिसर्च इंक्लूडिंग द बायोस्टैटिस्टिक्स, राइट। So as I have earlier told you that if you want 10% off, then use the code, referral code VIRMANI. And guys, if you don't want to buy the plus subscription, then you can attend the special live classes. And on the special live classes, you can basically you can ask your query in the live session, and you can get your answer at that time only, and it just feels like face to face classes, right? So this special classes are very beneficial, not only for NEET PG, for each and every exam, right? So you are having the NEET PG subscription for, you can buy for 1 month, 3 months, 6 months, and 12 months and 24 months. एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय, जैसे मैंने कहा कि यूज कर सकते हो। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट फार्माकीजी इन दिस इज द सीरीज। बेसिकली दिस इज द ब्लेंड ऑफ मेडिसिनल कॉन्सेप्ट विद द फिजियोलॉजिकल बेस। सो इन दिस वी स्टडी द बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी, एंड द फोरग्राउंड ऑफ द फार्माकोलॉजी, राइट। एंड फार्माकोलॉजी इज नॉट ऑफ द क्रैमिंग सब्जेक्ट, रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। जैसे मैंने बोला, इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो, देन आपको सिर्फ उसको अपना रिवाइज करना है, तो ताकि आपकी विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाए फॉर द टॉपिक्स एंड यू कैन
excel in your university exams as well as PG, as well as if you are doing treatment of any patient, right? So pharmacology is the base subject which you should be knowing before treating any of the patients. You should be knowing this subject, right? This is the base of medicine, this is the base of surgery as well, right? So today we are going to study antimicrobial agents. This is a summer class, the last class of the antibiotics, right? So let me wait for a few more seconds so that sare aa jaye. So guys, till now we have discussed AMA, and in the AMA we have discussed about antibiotics. So antibiotics kya hai? Antibiotics are the products or the substances that are produced from an organism, and they are utilized to kill another organism. एक ऑर्गेनिज्म के सब्सटेंसेस हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द फंजाइज प्रोड्यूस वेरियस केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरियाज, लाइक पेनिसिलियम. वी डिराइव्ड पेनिसिलिन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम. एंड किसने डिराइव करी थी, किसने डिस्कवर करी है पेनिसिलिन, अगर आपको पता है तो चैट में बता दो. हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, अगर आपको पता है देन चैट में बता दो. दिस वॉज द बेसिकली फर्स्ट एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम द फंजाई पेनिसिलियम, राइट? एंड टिल नाउ हमने कौन सी एंटीबायोटिक्स डिस्कस कर ली है. वी हैव डिस्कस अबाउट द बीटा लैक्टेम्स. इन द बीटा लैक्टेम्स वी हैव डिस्कस अबाउट पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टेम्स, राइट? Then we have discussed the tetracycline, chloramphenicol, aminoglycosides, macrolides, and after that we have discussed about the clindamycin, vancomycin, and daptomycin, quinpristin, deflopristin, linezolid, polymyxin B, polymyxin E, colistin. And we have already discussed about the quinolones, nalidixic acid and fluoroquinolones, basically the newly formed quinolones or the fluorinated quinolones, right? हमने ये सारी antibiotics discuss कर ली हैं, जिसके अंदर से कुछ important हैं जो कि resistive strains के लिए हैं, like linezolid, daptomycin, quinpristin, deflopristin, polymyxin B, polymyxin E or colistin. These antibiotics are for the resistive strains of the bacteria. राइट, सो यस आंसर आ चुका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. यस यू आर राइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन फ्रॉम द फंजाई पेनिसिलियम, राइट? तो इसके पीछे की स्टोरी आपको पता ही होगी. इसके सो बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी ये थी, छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो एक फंजाई, एक ब्रेड थी, वहां पर फंजाई लगी हुई थी उस ब्रेड पर, एंड द फंजाई वॉज पेनिसिलियम. सो और उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि यहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है. वो क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते रहते थे. सो उनको दिखा कि इस फंजाई की प्रोडक्शन, तो उन्होंने, वो साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट क्या होते हैं, सबको पता है साइंटिस्ट कैसे होते हैं. तो वो जो अपनी जूठी प्लेट थे वो धोते नहीं थे. जूठी प्लेट एक बार उन्होंने रखी हुई थी, सो बेसिकली वहां फंजाई की ग्रोथ हो गई. फंजाई कौन सी थी, पेनिसिलियम, और उस फंजाई के आसपास कोई भी बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं थी, कोई भी बैक्टीरिया नहीं था यहाँ पर. बिकॉज वो देखते रहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो बिल्कुल बैक्टीरिया स्टेरिलाइज्ड एरिया है, यहाँ बैक्टीरिया नहीं है. तो उनको लगा कि ये जो पेनिसिलियम है इसके अंदर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है सारे किल हो चुके हैं, राइट? सो उन्होंने फिर पेनिसिलिन डिराइव करी पेनिसिलियम से, और इस तरीके से फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी.
सो हमने क्लासिफिकेशन करी थी. क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स वाज बेस्ड अपॉन द साइडल ड्रग्स एंड स्टेटिक ड्रग्स. साइडल ड्रग्स दैट किल द ऑर्गेनिज्म, स्टेटिक ड्रग बेसिकली दे इनहिबिट द ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो साइडल ड्रग के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द निमोनिक बेवफा ड्रग. Bevafar drugs, this consists of the beta lactams, vancomycin, fluoroquinolones and aminoglycosides, right? And static drugs के अंदर sectel है, but basically basically आप क्या याद करो, Bevafar drugs याद करो, जो भी इसके बाहर हो वो सारी आपकी static drugs हैं, right? MCQ point of view से. Right, so Bevafar drugs, beta lactam, vancomycin, fluoroquinolones, aminoglycosides, and now sectel. Sectel are basically sulfonamides, erythromycin, chloramphenicol, clindamycin, tetracycline, ethambutol, and linezolid. Right, so अगर आपको ये याद नहीं भी होती sectel की full form, sectel is a mnemonic, नहीं याद होता, then do remember Bevafar drugs only. And the drugs that are other than this B, E, V, F and A, the drugs other than Bevafar drugs are static drugs. Right. And bactericidal की हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने हैं इस क्लास में. सो दीज टॉपिक्स, दीज थ्री टॉपिक्स हमने पहले की क्लास में डिस्कस नहीं करे हैं, बट दीज थ्री टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज थ्री टॉपिक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट एंड हमने अभी तक ये किसी भी एंटीबायोटिक्स के अंदर डिस्कस नहीं करे हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे. तो प्लीज Stay focused, guys. So first is CDK. CDK is basically concentration dependent killing. So as this name suggests that concentration dependent killing. So the more will be so the more amount of the drug, if the drug is in more compound, more amount in the blood, so more bacteria will be killed, right? So basically the killing of the bacteria is directly proportional to the amount or the concentration of drug in the blood or in the systemic circulation, right? So the more amount of the drug will be there in the blood, so more bacteria will be killed from that drug, right? And the second thing is a time dependent killing. Basically some antibiotics need time. Yes, more the time more will be the killing. अभी हम इनके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स ये फॉलो करती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स TDK फॉलो करती हैं और कौन सी एंटीबायोटिक AUC फॉलो करती हैं. एंड गाइज द थर्ड वन इज एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेंट किलिंग, बेसिकली AUC DK. सो जैसे कि एक कर्व ड्रग रिस्पॉन्स कर्व है एंड डोज रिस्पॉन्स कर्व बेसिकली. सो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्टर हुई, धीरे धीरे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपनी पीक एक्टिव ड्रग आ जाएगी. बेसिकली जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विल बी एंटर्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट? एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. सो साइमल्टेनियसली द एक्टिव ड्रग विल बी डिक्रीज्ड इन द ब्लड. सो द एरिया अंडर दिस कर्व is basically used to know about the killing of the bacteria, right? So let's discuss about the concentration dependent killing. Concentration dependent killing is more the concentration of the drug, more is the killing. Like I said earlier, at the higher concentration, more killing activity is observed. And basically, jo dose, hum single dose dete hain. So all the drugs that are active विद अ सिंगल डोज ओनली, जैसे हमने कल बात करी थी काफी सारे FQs के बारे में, FQs were active with a single dose only. A patient can be treated with the single dose only and the single high dose like 750 mg or 1 gram till 1 gram, 500 mg से लेकर 1 gram तक जो भी डोज है that is a high dose. And yes, the patient will be treated with a single high dose of these two groups, aminoglycoside and fluoroquinolones, right?
So these two groups of the drug follow the CDK basically. So what happens with the aminoglycoside? If we give a high concentration single dose of the drug to the patient, all the bacteria will be killed because the concentration of the drug is seriously high in the blood, right? So we are done with the CDK and consequently antibiotics follow karti hain, aminoglycosides and fluoroquinolones. Right, so the more is the concentration of the drug, more is the killing, and at higher concentration maximum killing happens. So basically it is directly proportional to the concentration. Killing is directly proportional to the concentration, or sidal action of the drug is directly proportional to the concentration. More is the concentration, more sidal activity will be there or will take place, and aminoglycoside and fluoroquinolones follow this concept. राइट सो कल भी हमने फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर रात वाली क्लास के अंदर देखा था कि सिंगल डोज इज इफेक्टिव ओनली लाइक 750 mg सिंगल डोज और सिंगल डोज ओडी फॉर 4 वीक्स के लिए एक्टिव है बेसिकली राइट एक वीक के अंदर एक बार ड्रग दी 750 mg देन नेक्स्ट वीक के अंदर 750 mg थी देन सब्सिक्वेंट वीक्स के अंदर भी 750 mg थी सिंगल डोज राइट राइट And now let's talk about the time dependent killing. So the killing activity depends upon the time for which concentration of the drugs remains above minimum bactericidal concentration, right? So इसके अंदर एक चीज तो है कि जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है वो थेरेपेटिक रेंज के अंदर होनी चाहिए थेरेपेटिक रेंज से डिक्रीज होगी तो एक्शन नहीं होगा थेरेपेटिक रेंज से ऊपर ही होनी चाहिए ड्रग राइट तो जैसे कि थेरेपेटिक रेंज का मतलब ये होता है Let me make the graph again. So basically, if you administer a drug, so slightly, slowly, it will be attaining its peak, basically maximum concentration, right? And after that, its secretion or metabolism takes place. Right. So our graph, to mil gaya. Yahan bana bhi lete hain. So guys, this is the therapeutic range of the drug. Agar isse niche dose hai, basically, agar इस डोज से नीचे अगर है ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन तो वो ड्रग एक्टिव नहीं होगी एक्टिवली कोई भी काम नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी के अंदर एंड अगर ये जो अबव लेवल का थेरापेटिक रेंज है अगर इससे ऊपर हो गई तो उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होंगे पॉइजनिंग होने के चांसेस होंगे और सीवियर इफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड राइट सो इफ द रेंज ऑफ द ड्रग इज बिटवीन 50 to 100 mg So below 50 mg, no effect will be produced, and above 100 mg, there would be toxicity or poisoning, and the symptoms would be appearing for the same, right? So a drug should be having the concentration more than 50, but less than 100, right? So basically, that is the minimum bactericidal concentration, right? So killing of the bacteria basically depends upon the time for which concentration of the drugs remain above minimum bactericidal concentration right so the killing activity does not depend upon the concentration yes dekho concentration pe depend nahi kar rahi agar hamari dose 50 mg hai to bhi 100 bacteria hi marenge kill honge aur agar hamari dose agar 100 mg hai to bhi 100 bacteria marenge राइट सो इसके अंदर समझने वाली बात है बट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था अगर हमारी ड्रग 50 mg है तो ओनली 50 बैक्टीरियाज विल बी किल्ड एंड इफ द ड्रग इज 100 mg देन 100 बैक्टीरियाज वुड बी किल्ड राइट सो टाइम डिपेंडेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता बट एक क्लॉज है बीच में दैट मिनिमम थेरेपेटिक रेंज से ऊपर होनी चाहिए ड्रग राइट एंड हम इसके लिए मेंटेनेंस डोज प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को लाइक एवरीडे इवनिंग के अंदर आपको लेनी है एवरीडे सिंगल डोज ताकि एक डोज ब्लड के अंदर सीरम के अंदर मेंटेन्ड रहे तो मेंटेनेंस डोज इज प्रेफर्ड बेसिकली मल्टीपल स्मॉल डोजेस आर प्रेफर्ड फॉर किलिंग एंड This phenomena is followed by beta lactams and vancomycin.
And beta lactams and vancomycin both inhibit cell wall synthesis. Both are cell wall synthesis inhibitors. Right. So एक बार चार्ट के अंदर मुझे बता दो कि सी डी के आपको समझ में आ गया और टी डी के भी आपको समझ में आ गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोबारा से समझें, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड टिल नाउ, टिल टूडे वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स इन आर बेसिकली अर्लियर क्लासेस. वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दीज टॉपिक्स. So these topics are important for MCQ point of view. So एक बार चैट में फटाफट से रिप्लाई कर दो कि should I repeat or should I just proceed? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे ही देता हूँ एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग. सो सी डी के अंदर और टी डी के अंदर मेन डिफरेंस इज दिस, दैट इफ वी विल बी एडमिनिस्ट्रिंग 50 एम जी ऑफ द ड्रग, देन ओनली 50 बैक्टीरिया विल बी किल्ड. एंड इफ वी इंक्रीज द डोज टू 100 एम जी, देन 100 बैक्टीरिया विल बी किल्ड. राइट. सो एज वी इंक्रीज द डोज, एज वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, मोर द बैक्टीरिया विल बी किल्ड. And time dependent killing के अंदर क्या हो रहा है, इवन इफ वी हैव प्रोवाइडेड 50 mg, ओनली 100 bacteria are killed. And if we increase the dose to 100 mg, then also 100 bacteria would be killed. Right. But जो हमारी ड्रग है वो therapeutic रेंज से ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज नो bacteria विल बी किल्ड. एंड सी डी के कौन फॉलो करता है, fluoroquinolones एंड amino glycosides. And time dependent killing कौन follow करता है, beta lactams and vancomycin. So basically ये चीज बहुत important है, right? Like concentration अगर increase हो रही है तो bacteria भी ज्यादा amount में kill होंगे and the patient will be treated at a rapid pace because हमने उसको singly high dose दिया. But time dependent के अंदर चाहे हमने dose जितनी भी increase कर दी, same amount of bacteria will be killed, सेम टाइम ही लगेगा जितना अगर हम 50 mg दे रहे थे. सो द इफ इट टेक्स 1 week, देन अगर हम उसको 100 mg भी कर देंगे तो भी पेशेंट को 1 week ही लगेगा ठीक होने में. राइट राइट, चलते हैं आगे. एंड एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेंट किलिंग के बात हम करें, सो किलिंग एक्टिविटी हेयर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द पीसी टाइम कर्व, बेसिकली प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम कर्व. राइट. सो इसके अंदर क्या हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. सो बेसिकली यहाँ आपने डोज एडमिनिस्टर करी एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स आपने टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया तो वो डोज हमारी बॉडी में गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर उसकी पीक आ गई. एंड आफ्टर दैट एक्सक्रीट होती गई एंड मेटाबोलाइज होती गई एंड हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर से डिक्रीज होती रही और यूरिन के रास्ते या बाइल के रास्ते एक्सक्रीट हो गई. राइट. एंड आफ्टर सम टाइम द ड्रग, द रिमेनिंग ड्रग वुड बी 0%. राइट. सो हियर वी हैव एडमिनिस्टर्ड द ड्रग एंड लाइक वी हैव एडमिनिस्टर्ड इट टू ओरली. सो ओरली के बाद हमने जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होती गई वो सिस्टेमिक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर उसने अपनी कॉन्सेंट्रेशन पीक अटेन करी एंड आफ्टर दैट आफ्टर शोइंग द एक्शन मेटाबोलाइज होती रही, एक्सक्रीट होती रही. राइट. सो हमारी ड्रग लाइक अगर हमने 100 एम जी दी थी, 100 एम जी हमने बाहर से दी, इस टाइम पर 90 mg हमारी ब्लड के अंदर आ चुकी है एंड इस टाइम पर हमारे ब्लड के अंदर 0 mg है. राइट. सो जो ड्रग स्लोली एक्सक्रीट होगी, स्लोली मेटाबोलाइज होगी, वो ड्रग इजीली किल कर देगी
केस के अंदर राइट, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ड्रग है बिल्कुल रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाती है, सो उसका हमारा ग्राफ कैसा आएगा, जैसे ही हमने पीक अटेन करी एकदम से वो एक्सक्रीट हो गई, राइट। तो यहाँ पर हमने 100 mg ऑफ द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड हियर एंड आफ्टर आफ्टर फ्यू मिनट्स बेसिकली, एक तो उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी डिक्रीज है, प्लाज्मा हाफ लाइफ भी कम है एंड आफ्टर दैट रैपिडली एक्सक्रीट भी हो जाती है, तो वो एक्शन शो नहीं कर पाएगी बिकॉज एरिया अंडर द कर्व इज लेस। एंड इफ वी टेक अनदर केस, सो अ ड्रग इज बेसिकली स्लोली मेटाबोलाइज एंड स्लोली एक्सक्रीटेड, सो उसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। तो हमने 100 mg ऑफ द ड्रग दी, 100 mg के बाद पीक पीक अटेन करी और पीक के बाद वो स्लोली मेटाबोलाइज हो रही है और स्लोली एक्सक्रीट हो रही है, तो द एरिया अंडर द कर्व विल बी हैविंग, सो द बेसिकली ये एरिया इज लार्जर देन द प्रीवियस केस, राइट। सो इसके अंदर हमारा, सो वी विल बी प्रेफरिंग दिस ड्रग, राइट। सो जो भी ड्रग ये फॉलो करता है, सो द ड्रग्स दैट फॉलो दीज दिस फिनोमिना एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेंट किलिंग, उनका एक्सक्रीशन बहुत ही ज्यादा डिलेड होता है, मेटाबॉलिज्म डिलेड होता है ताकि एरिया अंडर द कर्व हाई रहे। सो दिस इज फॉलोड बाय द डैप्टोमाइसिन, मॉक्सी फ्लॉक्सासिन एंड न्यूरल सॉरी न्यूअर एफ क्यूज, राइट। तो यहीं पर मुझे एक तो बता दो, डैप्टोमाइसिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी, डैप्टोमाइसिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी, प्लीज रिप्लाई इन द चैट। एंड सेकेंडली मुझे बताओ कि मॉक्सी फ्लॉक्सासिन की एक स्पेसिफिसिटी, सो हमने मॉक्सी फ्लॉक्सासिन के बारे में कल रात को डिस्कस करा था एंड इसकी एक स्पेसिफिसिटी है, एक तो वो स्पेसिफिसिटी मुझे बता दो और एक डैप्टोमाइसिन की ड्रग ऑफ चॉइस बता दो। दोनों चीज हमने एक्सप्लेन करके समझ रखी हैं, सो अगर आपको याद है तो बता दो चैट के अंदर, फर्स्ट एंड द सेकंड आंसर लिखो, फर्स्ट फर्स्ट का आंसर ये है एंड सेकंड का आंसर ये है। यस आंसर आ चुका है, यस यू आर राइट प्रिया, डैप्टोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्सा, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में हमने एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, बेसिकली उसकी एक्टिविटी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट, वो बता दो। और मुझे बता दो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग एफ क्यू कौन सी है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एफ क्यू एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग एफ क्यू, ये दोनों आंसर मुझे दे दो एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। तो आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग यस इज अमॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग इज पारफ्लॉक्सासिन, यस यू आर राइट। सो अब हम प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने से पहले आप एक बार अपने माइंड के अंदर फटाफट से सोच लो कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेंट किलिंग आपको समझ में आ चुका है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं और कौन सी ड्रग क्या चीज फॉलो करती है। सो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग फॉलोज फॉलोज क्या फॉलो करती है फटाफट से बताओ, और कौन सी ड्रग TDK फॉलो करती है और कौन सी ड्रग AUCDK फॉलो करती है फटाफट से बताओ। यस मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट एनरोब्स, यस हमने कुछ ही ड्रग्स डिस्कस करी थी दैट वर एक्टिव अगेंस्ट एनरोब्स, जनरली जो क्विनोलॉन्स हैं नैलिडिक्सिक एसिड है और एफ क्यूज नहीं करती एनरोब्स को इनहिबिट, बट हमने कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स की बात करी थी दैट वर एक्टिव अगेंस्ट एनरोब्स, राइट, जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। फटाफट से एक बार मुझे बता दो, CDK कौन सी ड्रग्स फॉलो करती हैं, TDK कौन सी ड्रग्स फॉलो करती हैं और AUCDK कौन सी ड्रग्स फॉलो करती हैं। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े तो हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन
ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमने अभी तक क्या बात करी थी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एक्शन ऑन द बैक्टीरिया, राइट? सो द फर्स्ट ड्रग वाज कॉजिंग द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया एंड सेकेंड ड्रग वाज डूइंग और स्टॉपिंग द ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया, राइट? बट नाउ वी हैव टू डू द सेकेंड क्लासिफिकेशन प्रोसेस। सेकेंड क्लासिफिकेशन प्रोसेस इज एज फॉलो: सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस इनिबिटर, डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर एंड देन सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनिबिटर्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं? सबसे पहले हमने अब बीटा लैक्टिन वैनकोमाइसिन तो अभी ऊपर ही डिस्कस करा है। सो द निमोनिक इज एज फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल बेसिकली, राइट? सो द ड्रग्स दैट फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, वॉल में डब्ल्यू की जगह वी है, सो वी फॉर वैनकोमाइसिन। सो द ड्रग्स दैट फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल आर बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। फर्स्ट इज फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टेम्स, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरीन एंड वैनकोमाइसिन, राइट? सो दीज ड्रग्स आर फर्मली बाइंड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये सेंटेंस भी इट इज क्वाइट फेमिलियर विद द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, बिकॉज द ड्रग्स जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ फॉर्मली बाइंड कर सकती हैं वही उसको इनहिबिट कर सकती हैं, राइट? फॉर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ड्रग्स दैट फॉर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल आर एज फॉलोज: फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टेम्स, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसरीन एंड वैनकोमाइसिन। एंड गाइस, बीटा लैक्टेम्स की हमने बात करी थी तो PCCM ड्रग्स थी: पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टेम्स। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टेम्स, राइट? पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट बीटा लैक्टेम प्रोड्यूस्ड। पेनिसिलिन जी ओल्डेस्ट ड्रग है ये, ओल्डेस्ट ड्रग है ये, एंड ये हम यूज नहीं करते बिकॉज इसका एक तो नैरो स्पेक्ट्रम है, प्लस आजकल बिकॉज मेनी मेनी स्ट्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक, बिकॉज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस पेनिसिलिन जी, इसको एक्सप्लॉयट कर दिया था। एक्सप्लॉयट की वजह से हर बैक्टीरिया को इसके बारे में पता चल गया एंड उन्होंने इस बेसिकली रेजिस्टेंट हो गए इस एंटीबायोटिक से। सो इट इज रिस्ट्रिक्टेडली यूज नाउ एंड बट वी यूज दिस इन एंथ्रेक्स। इट इज बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंथ्रेक्स, राइट? सो पेनिसिलिन जी के कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, लाइक इट वाज अ एसिड लेबाइल, सो इट वाज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। बेसिकली अगर हम ओरली देंगे तो वेस्ट होगी ड्रग, राइट? सो वी हैव टू गिव दिस ड्रग पेरेंटली। सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द पेनिसिलिन जी एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट एक्टिंग। इसकी प्लाज्मा टी हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट। आफ्टर दैट इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, प्लस रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेनिसिलिन जी। बेसिकली द स्ट्रेन्स आर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स एंड पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स, एज द नेम सजेस्ट दैट पेनिसिलिन नेज, नेज मीन्स एंजाइम। सो दिस इज द एंजाइम दैट विल ब्रेक द पेनिसिलिन, राइट? दिस इज द एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बैक्टीरिया एंड दिस एंजाइम कैन ब्रेक द पेनिसिलिन। सो द बैक्टीरिया दैट विल ब्रेक द पेनिसिलिन, वो उससे रेजिस्टेंस हो जाएगा और पेनिसिलिन यहाँ पर अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी, राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज बीटा लैक्टम इज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन। सो बीटा लैक्टम इज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, उन हर बीटा लैक्टम से रेजिस्टेंट होंगे, लाइक दीज स्ट्रेन्स वुड बी रेजिस्टेड टू पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स एज वेल, राइट? एंड फिफ्थ इज मेनी एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, लाइक हमने जे एच रिएक्शन की बात करी थी। जे एच रिएक्शन की बात हमने कर ली है ऑलरेडी, इट प्रोड्यूसेस फीवर, माइल्जिया एक्सेट्रा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो हमने सोचा कि फर्स्ट इसका लिमिटेशन इज एसिड लेबाइल है ड्रग, पेनिसिलिन जी इज एसिड लेबाइल।
तो अब हम ऐसी ड्रग बनाएंगे जो एसिड रेजिस्टेंट होगी, राइट? सो वी डेवलप्ड एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन. सो इट वाज पेनिसिलिन 5, बेसिकली इट वाज पेनिसिलिन 5 एंड राइट एंड ऑक्सासिलिन, डिक्लोक्सिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये सब भी एसिड रेजिस्टेंट हैं, बट अंडर दिस ग्रुप वी विल टॉक अबाउट दिस ड्रग ओनली, राइट? तो पेनिसिलिन 5 वाज द ड्रग दैट वाज द ओनली एसिड रेजिस्टेंट ड्रग इनिशियली प्रोड्यूस्ड, दैट वाज द फर्स्ट एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन दैट वाज प्रोड्यूस्ड, बट इसका स्पेक्ट्रम जो था दैट वाज सेम एज पेनिसिलिन जी. यस, स्पेक्ट्रम वाज सेम एज पेनिसिलिन जी, रेजिस्टेंट वाज सेम एज पेनिसिलिन जी, एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस होते थे. सो पेनिसिलिन 5 भी यूज नहीं होती नाउ डेज बिकॉज रेजिस्टेंट इज ऑलरेडी डेवलप्ड अगेंस्ट दिस एंटीबायोटिक, राइट? सो बेसिकली फिर हमने क्या सोचा कि बिकॉज दीज ऑल ड्रग्स आर शॉर्ट एक्टिंग, तो हमने ये ड्रग्स को क्या देना स्टार्ट करा, हमने वी ट्राई टू प्रेफर टू गिव दिस ड्रग विद प्रोबेन एसिड. सो इफ यू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ द प्रोबेन एसिड देन आप समझ लोगे कि कैसे ये पेनिसिलिन का एक्शन बढ़ाता है. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, तो हमने फर्स्ट लिमिटेशन की बात करी. फर्स्ट लिमिटेशन वाज एसिड लेबाइल, तो हमने उसके बारे में बात करी कि पेनिसिलिन 5 का जेनरेशन हुआ. पेनिसिलिन 5 फिर भी हम यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज उसका नैरो स्पेक्ट्रम था, शॉर्ट एक्टिंग थी, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकते थे, प्लस रेजिस्टेंस जो था वो तो डेवलप्ड था ही. सो वी डेवलप्ड एंड अ फ्यू मोर पेनिसिलिन जो कि सो दीज वर बेसिकली अ लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन्स, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी एंड प्रोकेन पेनिसिलिन जी. दीज वर द डिपॉट प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन जी ओनली, बट हमने इनके साथ ये दो कंपाउंड्स जोड़ दिए, उसकी वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग हो गई. बट बिफोर बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन्स, हम वी ट्राई टू प्रिस्क्राइब पेनिसिलिन विद प्रोबेन एसिड. सो प्रोबेन एसिड और पेनिसिलिन के साथ का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना या और समझना. तो अगर आपको इसका फंक्शन या इसका मैकेनिज्म नहीं पता तो प्लीज एक बार चैट में बता दो, वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म, राइट? यस, आंसर हमारा TDK AUCDK का आंसर आ चुका है. सो CDK का नहीं आया है. CDK का क्यों आंसर नहीं आया, लिखा नहीं था क्या? तो उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले आप मुझे ये बताओ कि ये वाली ड्रग्स जो हैं पेनिसिलिन और प्रोबेन एसिड, ये दोनों एक मैकेनिज्म फॉलो करती हैं जिसकी वजह से पेनिसिलिन का एक्शन इंक्रीज हो जाता है. हमने लास्ट क्लास में हमने जो इसकी बीटा लैक्टेम वाली क्लास थी उसके अंदर डिस्कस करा था. अगर आप नहीं थे तो आप बता दो, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. और शुड यू प्रोसीड और शुड यू डिस्कस दिस मैकेनिज्म फर्स्ट? सो आंसर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं पता प्रोबेन एसिड और पेनिसिलिन का फंक्शन, बेसिकली साथ में कैसे प्रोबेन एसिड पेनिसिलिन की का एक्शन और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, सो द मेन चैनल इज OATP पंप. सो दिस इज अ पंप बेसिकली, पहले तो ये याद कर लो, ये पंप होता है, नेफ्रॉन पे प्रेजेंट होता है. एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं इसकी. सो क्या होता है कि पेनिसिलिन आई, पेनिसिलिन विल जनरली बी एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन, राइट? आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आफ्टर ट्यूबुलर सिक्रीशन, अब बारी आती है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की. तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के अंदर, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के अंदर OATP पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करता है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर हम प्रोबेन एसिड नहीं देते तो पेनिसिलिन इस OATP के बाहर निकल जाता है और यूरिन में आ जाता है.
तो फ्रॉम द ब्लड इट विल कम इन टू यूरिन एंड इसका रीअब्सॉर्प्शन दोबारा पॉसिबल नहीं है, राइट? सो पेनिसिलिन यूरिन के अंदर निकल जाएगा और हमें एक्टिव क्वांटिटी जो बॉडी के अंदर चाहिए वो नहीं बचेगी, राइट? तो इफ वी प्रिस्क्राइब पेनिसिलिन विद द प्रोबेन एसिड, सो इफ वी प्रिस्क्राइब पेनिसिलिन टू द प्रो विद द प्रोबेन एसिड, लेट मी मेक अ नेफ्रॉन फर्स्ट. सो गाइज यहां पर मान लो कि ओ ए टी पी पंप प्रेजेंट है एंड दिस इज द ब्लड वेसल एंड दिस इज द ब्लड वेसल, राइट? अब यहां पर क्या होगा गाइज, ये ओ ए टी पी पंप में जो प्रोबेन एसिड है, सो प्रोबेन एसिड एंड पेनिसिलिन दे बोथ आर इन द ब्लड बेसिकली एंड सम ऑफ पेनिसिलिन इज कमिंग आउट थ्रू द यूरिन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वो पास हो गई, बेसिकली ग्लोमेरुलर जो पे जो पोडोसाइट्स होते हैं उनसे पास हो गई पेनिसिलिन और यूरिन में आ गई, राइट? सो पेनिसिलिन यूरिन में भी है, ब्लड में भी है और प्रोबेन एसिड ब्लड में है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो अब क्या होगा, प्रोबेन एसिड जो है, प्रोबेन एसिड को हम पी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो इस ओ ए टी पी पंप को पंप के बेसिकली इट एक्ट्स एज एक्सचेंजर, राइट? सो फ्रॉम द फर्स्ट साइट प्रोबेन एसिड विल बी एंटर्ड इन टू द यूरिन फ्रॉम द ब्लड एंड एट द अदर साइड फ्रॉम द यूरिन पेनिसिलिन विल बी गोइंग इन टू द ब्लड, राइट? सो एक जगह से तो प्रोबेन एसिड, वेट अ सेकेंड, लेट मी मेक दिस डायग्राम. So this is blood and this is urine, right? And what is happening here guys, proben acid penicillin ko kahega ki penicillin you go to the blood. So penicillin jo urine ke andar thi wo penicillin aapki blood ke andar aa jayegi and at the same time proben acid aapka urine mein aa jayega and proben acid excrete ho jayega, राइट? सो अब आप कहोगे कि पेनिसिलिन जब ओ ए टी पी पंप के पास हो सकती है तो वो यूरिन से निकल के अपने आप ब्लड में क्यों नहीं आ जाती? सो गाइज ओ ए टी पी पंप इज अ एक्सचेंजर, बेसिकली ओ ए टी पी पंप इज बेसिकली अ एक्सचेंजर. तो एक्सचेंजर होने के लिए हमें एक जगह से कुछ अंदर डालना पड़ेगा और दूसरी जगह से कुछ बाहर आएगा, राइट? सो If proben acid will be going from the blood to urine, so at the same time penicillin from the urine will be going into the blood, right? And penicillin जब blood के अंदर आ गया तो इसका activity would be increasing and bioavailability will also increase, right? And proben acid के बाद हमने कहा कि proben acid के साथ देना इतना ज्यादा efficient नहीं हो रहा, so हमने depot preparations बना लिए, depot preparations of the penicillin G only. तो हमने डिपॉट प्रिपरेशन का के साथ बेसिकली पेनिसिलिन जी के साथ बेंजाथीन और प्रोकेन का कंपाउंड जोड़ दिया एंड आफ्टर दैट इसका एक्शन बढ़ गया, राइट? सो हमने एसिड रेजिस्टेंट ड्रग डेवलप कर दी, हमने उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, बट स्टिल जो उसका स्पेक्ट्रम था वो तो नैरो था और जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था वो रेजिस्टेंस इन दोनों के अगेंस्ट भी डेवलप हो रहा था. तो जो भी एसिड रेजिस्टिव ड्रग है वो भी रेजिस्टेंट होगी और बेसिकली उस बैक्टीरिया से जो कि बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है जिसके अंदर और पेनिसिलिन एज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है. और दूसरी चीज जिसकी हमने ड्यूरेशन बढ़ा दी वो वाली भी ड्रग भी उस बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट होगी जो कि प्रोड्यूस कर रहा है आपका वो सब, जैसे कि बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन और पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, ये दोनों स्ट्रेन से के वाली ड्रग रेजिस्टेंस होगी. तो हम फिर से फेल हो गए, एसिड रेजिस्टेंट की ड्रग प्रोड्यूस करी हम फेल हो गए एंड आफ्टर दैट हमने ड्यूरेशन इंक्रीज की ड्रग प्रोड्यूस करी फिर हम फेल हो गए बिकॉज हमने ड्यूरेशन तो बढ़ा ली लेकिन अभी तक उसका स्पेक्ट्रम तो इंक्रीज नहीं हुआ ना, बैक्टीरिया तो नहीं किल हो पा रहे. सो अब हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की ड्रग की पेनिसिलिन डेवलप करी, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की पेनिसिलिन डेवलप करी, राइट? एंड जिसका ओरल एब्जॉर्प्शन भी अच्छा था, राइट? सो बेसिकली हमने
ऐसी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस ऐसी एंटीबायोटिक डेवलप करी जो कि एसिड रेजिस्टेंट थी, लॉन्ग एक्टिंग थी, एंड आफ्टर दैट इट वाज एसिड रेजिस्टेंट थी, लॉन्ग एक्टिंग थी एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट थी, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट थी। बट अभी भी हमारे पास बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स नहीं बनी थी, तो हमने कुछ एडजुवेंट्स बनाए थे। एडजुवेंट्स के साथ हम वो ड्रग प्रिस्क्राइब करते थे और हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर एक्शन प्रोड्यूस हो जाता था, राइट? अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले हम इनकी ड्रग्स की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ओरल पेनिसिलिन्स वर ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट द एंटी स्यूडोमोनल, बेसिकली दे वर अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ द स्यूडोमोनास ऑल्सो। सो दीज आर वेल वेल प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ एंटी स्यूडोमोनाल ट्रीटमेंट, राइट? एंड दीज ड्रग्स वर बेसिकली अंडर थ्री ग्रुप्स, एमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूराइडो पेनिसिलिन, राइट? एमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूराइडो पेनिसिलिन। तो एमाइनो पेनिसिलिन के अंदर तो आपका ये सब आता है, आफ्टर दैट कार्बो पेनिसिलिन कम्स अंडर कार्बोक्सी एंड आफ्टर दैट यूराइडो पेनिसिलिन, राइट? सो इसके अंदर प्रेफर्ड इज यूराइडो पेनिसिलिन बिकॉज इसका स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा वाइड है। सो गाइस, जो एडजुवेंट्स की मैं बात कर रहा था वो एडजुवेंट्स हैं क्लेबुलोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाइजोबैक्टम। सो गाइस, दीज आर बेसिकली बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। अभी तक हमने बात करी थी कि हमने ऐसी ड्रग भी डेवलप कर दी जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट थी, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट थी, बट स्टिल अगर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है, अगर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है तो ये वाली ड्रग विल नॉट बी इफेक्टिव, दिस एंटीबायोटिक विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन। तो हमने कुछ एडजुवेंट डेवलप करे जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स थे, लाइक क्लेविलिनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टेजोबैक्टम। एंड जनरली वी प्रिस्क्राइब एमोक्सिसिलिन विद क्लेविलिनिक एसिड, एम्पीसिलिन विद सल्बैक्टम एंड पिपरासिलिन विद टेजोबैक्टम, राइट? सो अब अगर एक बैक्टीरिया है, अब अगर एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ही इज हैविंग बोथ द स्ट्रेन्स, फर्स्ट इज पेनिसिलिन नेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन एंड द सेकेंड इज बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन। सो हियर इज अ बैक्टीरिया जिसके अंदर ये दोनों के दोनों स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसके खिलाफ आप कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करोगे? सो वी विल बी प्रिस्क्राइबिंग एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन की वजह से तो उसका पेनिसिलिन स्ट्रेन इनएक्टिव हो गया, हम इसकी वजह से हम इससे सेंसिटिव ही नहीं है। सो हम एक्टिवली इस बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकते हैं एंड विद एमोक्सिसिलिन हम क्लेविलोनिक एसिड देंगे। एज यू नो क्लेविलोनिक एसिड इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। सो इसका भी अब इनहिबिटर मिल गया, इसका भी इनहिबिटर मिल गया, तो एमोक्सिसिलिन विल बी इनहिबिटिंग दिस पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन एंड क्लेविलोनिक एसिड विल बी इनहिबिटिंग द बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन एंड दस बैक्टीरिया विल बी किल्ड, राइट? तो हमने अब ऐसी डेवलप कर ली जो कि बेस्ट स्पेक्ट्रम शो कर रही थी ड्रग्स, राइट? सो जनरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बेसिकली ब्रांड नेम बताऊं इस ड्रग का जो कि हमने अभी बात करी, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलोनिक एसिड की हमने बात करी, क्लेविलोनिक एसिड। सो गाइज, 500 mg ऑफ एमोक्सिसिलिन इज प्रिस्क्राइब्ड विद 125 mg ऑफ क्लेविलोनिक एसिड एंड एमोक्सिसिलिन इज पेनिसिलिनेज इनहिबिटर एंड क्लेविलोनिक एसिड इज बेसिकली बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। एंड एमोक्सिसिलिन की वजह से क्या हो रहा है? एमोक्सिसिलिन की वजह से ये वाला स्ट्रेन खत्म हो रहा है, क्लेविलोनिक एसिड की वजह से बीटा लैक्टमेज वाला स्ट्रेन खत्म हो रहा है। एंड इन दोनों की प्रिपरेशन की काफी सारी ड्रग्स आती हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लाइक ड्यूकलेव 625, दिस इज बेसिकली ब्रांड नेम। और
proprietary name, and the second name is augmentin, and the third name is amoxiclave. So ye drugs ke andar same preparation hoti hai, 500 mg of amoxicillin plus 125 mg of clavulanic acid, but इनके नाम अलग अलग हैं बिकॉज ब्रांड्स अलग अलग हैं जो इन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, एंड दस ब्रांड नेम्स आर डिफरेंट बट नॉन प्रोप्रायटरी नेम इज सेम एंड इसका केमिकल नेम इज ऑल्सो सेम राइट. एंड गाइज पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट. पेनिसिलिन हमने पहले भी डिस्कस कर ली, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये एक निमोनिक है. क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन एंड नेफासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन राइट. एंड गाइज मैं इसकी अगर बात करूं तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की, तो दीज आर द ड्रग्स जो कि अब नहीं यूज होती, नॉट यूज्ड नाउ. हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की ड्रग यूज करते हैं विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स. हम ये ड्रग्स नहीं यूज करते बिकॉज मेनी स्ट्रेन्स आर प्रेजेंट दैट आर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट. And if the strain is methicillin resistant, then it will also be resistant to decloxacillin and it will also be resistant to cloxacillin, oxacillin, nefacillin. So these drugs are not used now. We use extended spectrum and we use beta-lactamase inhibitors, basically adjuvant with the extended spectrum drug, right? Right. So if we move further, various allergic reactions are produced, and if a patient is allergic to one penicillin, he or she will be allergic to all the beta lactams except the monobactams. So basically cross allergic phenomena is seen here. If a patient is allergic to basically amoxicillin or ampicillin, तो वो हर एक बीटा लैक्टम से एलर्जिक होगा. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी बीटा लैक्टम इज जनरली सेम राइट. सो इट अपियर्स लाइक दिस राइट. मोनोबैक्टम के साथ क्या होता है? मोनोबैक्टम के अंदर ये एक रिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. Structure is different. That's why इसके against allergic reactions produce नहीं, cross allergic reactions produce नहीं हो पाते, right? Right. If a patient is allergic to one penicillin, then he or she will be allergic to all the beta lactams except monobactams. PCCM हमने बात करी थी, तो PCC के खिलाफ एलर्जी होगी, बट मोनोबैक्टम्स विल बी नॉट कॉजिंग एलर्जीज बिकॉज मोनोबैक्टम्स का स्ट्रक्चर अलग होता है. बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हियर क्रॉस एलर्जी, क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन. तो अगर एक ड्रग पेशेंट इज रेजिस्टेंट, बेसिकली नॉट रेजिस्टेंट, एलर्जिक टू एमोक्सिसिलिन, तो मोनोबैक्टम्स अगर हम देंगे तो वो नहीं आएगी उसके अंदर एलर्जी राइट. बट मोनोबैक्टम्स कैन प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन as their side effects. Each and every drug can produce allergic reactions sirf antihistaminics ko chhod ke. Antihistaminics ko chhod ke every drug can produce allergic reactions, and here we are talking about, here in this slide we will be talking about, we have talked about cross allergy right. Humne already baat kar li cross allergy ki. And guys, penicillin जी के uses क्या थे? Uses were as last man. इसका mnemonic है last man. मैंने आपको पहले नहीं बताया था, हमने use ऐसे ही discuss करे थे, but mnemonic is last man. Last man के अंदर basically listeria, actinomycosis, syphilis, tetanus, meningococcus and anthrax. And guys, I am also remembering one other use or indication, gonorrhea. पता नहीं स्लाइड के अंदर क्यों नहीं है, बट गोनोरिया भी इसका एक इंडिकेशन हुआ करता था. सो निमोनिक इज लास्ट मैंगो.
Right. So the indication of the penicillin is last mango. Last mango, basically, penicillin is used for the last mango. First is listeria, but the drug of choice is ampicillin. Ampicillin comes under aminopenicillin. Aminopenicillin group comes under extended spectrum penicillins. Right. And now actinomycosis, syphilis, tetanus, meningococcus, and anthrax. And yes, gonorrhea as well. So the mnemonic is last mango. I hope ये समझ में आ गया होगा. Plus penicillin का usage is not so prevalent. It is rarely used now. Except anthrax. Anthrax की drug of choice है, but after all हम पेनिसिलिन जी को यूज नहीं करते जनरली, बिकॉज वी आर हैविंग मेनी अदर प्रेफर्ड ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग दीज इन्फेक्शन, लाइक मेनिंगोकोकस के लिए हमने कल भी डिस्कस करी थी. सेफ्ट्राजॉन इज ऑल्सो प्रेफर्ड, राइट. और प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्लिंडामाइसिन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस यूज यूज यूज, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिफिलिस और इसका ट्रीटमेंट, कि हाउ कैन वी ट्रीट सिफिलिस. सो बेसिकली गाइस, सिफिलिस कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. बेसिकली बेसिकली तो थ्री टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेटेंट सिफिलिस. एंड देन जो कि क्रोनिक सिफिलिस हो जाती है, देन अ पेशेंट कैन बी अंडर एज न्यूरो सिफिलिस. तो जो भी क्रोनिक सिफिलिस हो जाती है, ब्रेन टिश्यू को अफेक्ट करने लग जाती है, दैट इज न्यूरो सिफिलिस. सो बेसिकली वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ सिफिलिस, राइट. सो गाइज, द ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज. सो ट्रीटमेंट प्लान इज सेम फॉर द प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस एंड अर्ली सिफिलिस. दैट इज सिंगल इंजेक्शन ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी थ्रू आईएम रूट 2.4 μ, राइट. सो बेंजाथीन पेनिसिलिन जी हमने बात करी थी, दैट वाज अ डिपॉट प्रिपरेशन. So it was a depot preparation to increase the action of the drug, right? So single dose, single injection of the benzathine penicillin G through IM route is generally preferred, 2.4 mu. Basically, this is the preferred treatment for primary syphilis, secondary syphilis, and early latent syphilis, right? But if there is a latent syphilis, then आपको 3 injections of benzathine penicillin G लगाने हैं once a week. Yes, once a week you have to inject 3 times benzathine penicillin G through IM route and 2.4 mu, right? And guys, neurosyphilis का drug of choice is penicillin G only, aqueous or crystalline. And procaine penicillin can also be used for the treatment. And procaine penicillin is also a depot preparation, right? सो सिफिलिस का ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिफिलिस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेटेंट. प्राइमरी सिफिलिस एंड सेकेंडरी सिफिलिस एंड लेटेंट अर्ली सिफिलिस का ट्रीटमेंट इज सेम, दैट इज सिंगल इंजेक्शन ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी थ्रू आईएम रूट 2.4 mu. एंड द लेट लेटेंट सिफिलिस वी शुड गिव 3 injections ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी वंस अ वीक थ्रू आईएम रूट एंड 2.4 mu. And guys, in the case of neurosyphilis, the drug of choice is penicillin G, as sari syphilis ke andar. But we can also use procaine penicillin through IM route, as this is a depot preparation, right? So we have talked about syphilis, and now let's talk about the tetanus. So drug of choice and the first line drug for tetanus is penicillin G. यस, तो हमने ड्रग ऑफ चॉइस, पेनिसिलिन जी वाज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, एंथ्रेक्स एंड टिटेनस, सैट, राइट. बट मेट्रोनिडाजोल इज ऑल्सो प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनस, राइट. सो वी कैन यूज पेनिसिलिन जी एंड मेट्रोनिडाजोल एज वेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिटनेस, राइट. So penicillin G is a drug of choice, basically a preferred drug for treating tetanus, and after that the second preferred drug is metronidazole, right.
And now let's talk about the meningococci. As I earlier said, that meningococci ki wajah se meningitis agar cause ho raha hai. Basically, meningococci is Neisseria meningitidis bacteria. And if there is meningitis, and if there is infection of Neisseria meningitis and it is causing meningitis in a patient, so what is the treatment? Treatment is ceftriaxone. Ceftriaxone is third generation cephalosporin, and definitive treatment is penicillin G. So empirical treatment is ceftriaxone, that is a third generation cephalosporin, and this is preferred one. So this is the only preferred nowadays, but definitive treatment is penicillin G. And guys, for prevention, we prefer ceftriaxone. And yeah, in pregnancy also, drug of choice is ceftriaxone, right? And ciprofloxacin is also used to prevent the drug, but it is contraindicated in pregnancy. So in the case of pregnancy, you will prescribe ceftriaxone. So ceftriaxone is preferred for prevention and empirical treatment, and ciprofloxacin is contraindicated in pregnancy, right? So yahan par confuse mat ho na, dono drug starts with the C, but ciprofloxacin is contraindicated in pregnancy and ceftriaxone is safe in pregnancy and drug of choice in pregnancy for the prevention of this bacteria, basically, right? And now let's talk about the anthrax. So the drug of choice and the first line drug is penicillin G, and the second preferred drug is ciprofloxacin. So drug of choice and the first line drug for the anthrax is penicillin G, but the second preferred drug is ciprofloxacin, right? एंड न्यू पेनिसिलिन के भी यूज जैसे हमने डिस्कस करे थे, मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी अटैक, इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, बेसिलरी डाइजेंट्रीज एंड कोलेसिस्टाइटिस, एंड या इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट द पेप्टिक अल्सर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गोनोरिया एज वेल, राइट? बेसिकली एक तो लास्ट मैंगो वाले भी जोड़ देना इसके अंदर, बिकॉज वो पेनिसिलिन जी के लिए इफेक्टिव थे. So last mango and these all are the uses of penicillins. So guys, हमने penicillin G की जब बात करी, penicillin G was the basically preferred drug for anthrax, tetanus, basically SAT, syphilis, anthrax and tetanus, and it was also a drug of choice for the definitive treatment for the meningococcus that is causing the meningitis. So penicillins are basically used to treat meningitis and respiratory tract infection. Basically the infection that are caused with the streptococcus bacteria, वो वाली infections जो कि streptococcus से cause होती हैं, basically वो easily inhibit हो सकती हैं penicillin से, and rheumatic fever is also the indication of the penicillin, typhoid fever, bacillary dysentery, cholecystitis, H. pylori, UTI, gonorrhea. These all are the uses or indications of the penicillins. And इसके अंदर syphilis, anthrax और tetanus नहीं है, because new penicillins are not used to treat syphilis, anthrax and tetanus. For syphilis, anthrax and tetanus, we prescribe generally penicillin G. That was the oldest penicillin, right? So now guys, let's talk about the cephalosporin. So from the PCCM drugs, we have completed penicillin. Now let's talk about the cephalosporins. So cephalosporins के अंदर एक ऐसी generation drug थी that can cause pseudomembranous colitis. So if you know that which drug, which group can cause pseudomembranous colitis, then please चैट में रिप्लाई कर दो. हमने बात करी थी कि बेसिकली देयर आर टू ड्रग्स दैट कैन कॉज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एंड देयर इज वन ड्रग दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस,
वो दोनों ड्रग जो कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करती हैं, वो दोनों एक बार बता दो। और उसमें से एक जेनरेशन है सिफेलोस्पोरिन की, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज, आप बताओ। मैं तो बता ही दूंगा इसके बाद, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं बता दूंगा। और गाइज, आज 9 PM वाली क्लास के अंदर हमें टीबी लेना है, ट्रीटमेंट फॉर द टीबी। तो टीबी आप मुझे बताओ कि सिर्फ हम ड्रग्स ही डिस्कस करें या फिर पूरा पैथो और माइक्रो और मेडिसिन को जोड़ के डिस्कस करें? पैथो, माइक्रो और मेडिसिन को जोड़ के डिस्कस करें या फिर सिर्फ ड्रग्स डिस्कस करें, गाइडलाइन डिस्कस करें और खत्म कर दें? बिकॉज अगर हम पैथो और माइक्रो नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे ड्रग्स पढ़ सकते हैं, राइट? पैथो भी पता होना चाहिए, माइक्रो बायोलॉजिकल बेसिस भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे बैक्टीरिया कॉज करता है टीबी। पैथोलॉजी से आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली लंग्स के अंदर और एक्सरे कैसा दिखता है, राइट? सो एक्सरे देखेंगे, गोन्स कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे। मैं तो वो चाहता हूँ कि वो वाली क्लास हो जिसके अंदर हम पूरा टीबी को अच्छे से एक्सप्लेन करें। बट अगर आप कहोगे कि सिर्फ ड्रग्स डिस्कस कर लें तो सिर्फ ड्रग्स डिस्कस कर लेंगे, बट मैं तो चाहता हूँ कि सब डिस्कस करें, पैथो माइक्रो। बट पैथो माइक्रो पूरा ऐसा नहीं होगा कि पूरी पैथो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे टीबी, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम पैथो के जनरल कॉन्सेप्ट उठाएंगे और माइक्रो की भी उस बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उठाएंगे, और इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ के हम एक एक्सरे देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे दिखता है टीबी, क्या दिखता है। सो इफ यू एग्री देन हम ये चीज प्रिपेयर करेंगे, और अगर आप एग्री नहीं करते तो हम सिर्फ ड्रग डिस्कस करेंगे और क्लास खत्म करेंगे। तो इन दोनों का आंसर मुझे दे दो चैट में, और इसका भी आंसर दे दो कि 9 PM वाली क्लास के अंदर क्या रखना है। एंड लेट मी जस्ट क्लीन द स्लाइड फर्स्ट एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज टू ड्रग्स। पूरा जोड़कर सर, यस पूरा जोड़कर ही करेंगे। और दो ड्रग्स जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर रही थी तो वो थी क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड थर्ड जेनरेशन सिफेलोस्पोरिन, राइट? एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वाज वैनकोमाइसिन, राइट? अब तो याद हो गया ना। एंड गाइज, दिस वॉज द बेसिकली क्लासिफिकेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन। सो ड्रग क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जेनरेशन के अंदर हमारी वो वाली ड्रग्स आती हैं जिसके अंदर एफ ए या पी एच ए या पी एच आर ए आता है, राइट? फा फ्रा, ये जो भी अगर आपको दिख रहा है किसी भी ड्रग के अंदर। सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और आपको ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि क्लासिफिकेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन और सिफेलोस्पोरिन बताओ, राइट? तो अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग के अंदर आपको एफ ए फा फा एंड फ्रा अगर किसी भी ड्रग के अंदर दिख जाए तो दैट विल बी ड्रग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, राइट? एंड गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड जनरेशन जो कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी कॉज कर सकती है, राइट? इसके अंदर हमारा आई एम ई और ओ एन ई, वन और आई एम ई, ये दो चीजें अगर आपको किसी भी ड्रग के अंदर दिख रही हैं, एक्सेप्शन मोक्सालैक्टम, मोक्सालैक्टम को छोड़ दो, बाकी अगर किसी भी ड्रग के अंदर आई एम ई और वन दिख रहा है तो दैट इज थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देन इसके अंदर आपको पी मिलेगा, पी आई, राइट? सेफेपिम सेफपिरॉल।
जिसके भी अंदर आपको पी दिख जाए दैट इज फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक। एंड फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, सेफ्टी या सेफ्ट, सेफ्ट और सेफ्टी, राइट? लाइक सेफ्टी प्रोल एंड सेफ्टा रोलिन। सो ये दोनों, सो ये तीन, अगर आपको ये चार जनरेशन का पता होगा तो सेकेंड जनरेशन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ड्रग जिसके अंदर ना तो एफ ए आर है, ना फार है, ना फरार है, ना आई एम ई आर है, ना वन आर है, ना पी आई आर है, ना सेफ्ट और सेफ्टी आर है, तो वो दैट विल बी बिलोंगिंग टू द सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरम, राइट? लाइक सेफोक्सिटिन, सेफ्रोजिल, सेफोटाइटन, सेफमेटाजोल। बट कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं लाइक सेफिरोक्साइम एंड सेफिरोक्साइम एक्सेटिल। इसके अंदर हमारा आई एम ई दिख रहा है एंड द थर्ड इज सी फैलकोर, इसके अंदर हमारा एफ ए आर है। सो दीज थ्री, दीज टू आर बेसिकली द एक्सेप्शंस। तो ये सेफिरोक्साइम और सेफिरोक्साइम एक्सेटिल तो सेम है। सो द ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिंस आर एज फॉलोज, दैट फर्स्ट जनरेशन विल बी शोइंग यू फा फा फ्रा, एंड सेकेंड जनरेशन के अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्शन आर देयर लाइक सेफिरोक्साइम, सेफिरोक्साइम एक्सेटिल एंड सी फैलकोर, जिसके अंदर ऊपर वाले के अंदर तो आपका आई एम आर है, दैट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन, and the second drug that is cefalcor is showing far, that is the characteristic of the first generation cephalosporin. And if we talk about the third generation cephalosporin, then let's so iske andar ime or one aata hai, and the fourth generation consists of the pi and fifth contains ceft or safety. So iska antibacterial ya antimicrobial spectrum ki agar hum baat kare to jaise jaise hum niche jaate jaate hain waise waise increase hota jata hai, and exception is with the third generation. So guys, first generation ke andar hamara gram positive bacteria ko hi sirf susceptible hoga, and with the second generation it will be susceptible to the gram positive and gram negative bacteria, and third generation cephalosporins would be sensitive for a gram positive, gram negative, and it is having the widest spectrum guys. And fourth generation ke andar sirf gram negative ko hi show karega, एंड फिफ्थ जनरेशन के अंदर स्पेशल और मिसलेनियस स्ट्रेन जैसे कि मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस की बात करेगा, राइट? सो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इज एज फॉलोज, फर्स्ट जनरेशन विल बी ओनली सेंसिटिव टू ग्राम पॉजिटिव, सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन विल बी sensitive to both gram positive and gram negative, but spectrum is not so wide. But third generation is the preferred cephalosporin. Third generation cephalosporin is the preferred cephalosporin as it can treat most of the infections that are caused with the gram positive, gram negative, and it is having the most wide spectrum, and it can kill most of the bacteria that are causing infection. And fourth generation is basically it inhibits only the gram negative bacteria, and fifth generation kills special type of strains, that is MRSA, basically methicillin resistant Staph aureus ki drug of choice is basically vancomycin, but fifth generation cephalosporins can also be preferred for the methicillin resistant Staph aureus, right? एंड उसके बाद हम जब सिफेलोस्पोरिन की अगर हम बात करते हैं, सिफेलोस्पोरिन की हमने बात करी, सो इसके अंदर हमें बाइल सिक्रेटेड सिफेलोस्पोरिंस सबसे पहले की बात करते हैं। सो बाइल सिक्रेटेड सिफेलोस्पोरिंस आर सेफ इन रीनल फेलियर पेशेंट्स, दे आर सेफ इन रीनल फेलियर पेशेंट्स बिकॉज बेसिकली द मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो लीवर की वजह से हो रहा है। तो अगर पेशेंट हिपैटिक फेलियर के अंदर है, लीवर फेलियर के अंदर है, तो हम ये ड्रग नहीं देंगे बिकॉज इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। बट इफ द पेशेंट इज अंडर रीनल फेलियर तो हम दे सकते हैं बिकॉज रीनल एक्सक्रीशन नहीं है इन दोनों ड्रग्स का, लाइक सिफोपिराजोन का एंड सेफ्ट्राएक्सोन का, राइट? सिफोपिराजोन का और सेफ्ट्राएक्सोन, ये दोनों ड्रग्स ऐसी हैं जो कि रीनल फेलियर पेशेंट्स के अंदर सेफ हैं बिकॉज इनका एक्सक्रीशन इज मेनली थ्रू द बाइल
And guys, if we talk about the anti-pseudomonal cephalosporins, anti-pseudomonal cephalosporins are as under cefepim, cefpirom, cefopirazone. So these all contains P in them. Cefepim, cefepirom, cefpirom and cefopirazone. And the ceftazidim is the most effective anti-pseudomonal drug. Most effective anti-pseudomonal drug is ceftazidim. And after that, cefepim, cefpirom and cefpirazone. So these are the anti-pseudomonal cephalosporins. Effective anti-pseudomonal cephalosporins. Alright. Let me just look at the chat. Ki kahin koi doubt to nahi aaya kisi ko. So yes, let me just proceed further. Let's proceed further. So kuch cephalosporins ka disulfiram like action tha, like moxolactam, cefoperazone, cefotitan and cefomendol. So these all drugs are having a disulfiram action, so they should not be prescribed if the patient is taking alcohol with the drug. So guys, alcohol ke saath agar hum isko denge to alcohol metabolization of alcohol will be stopped, and after that alcohol will be accumulated in the body in the form of acetaldehyde, and aapki body ke andar symptoms aane lag jayenge, irritation hone lag jayengi, and basically adverse reactions produce hone lag jayenge, right? And uses of cephalosporins are basically, they are basically used like as a penicillin. Basically spectrum is wide. So हम initially तो ये बात कर लेते हैं कि जो भी penicillin जिस जिस चीजों के लिए use हो रही थी, cephalosporins भी use हो सकती हैं, but it is having a most wide range of antimicrobial spectrum. So it can treat meningitis for sure. It is the drug of choice. Ceftriaxone is the drug of choice for treatment of the meningitis. Then it can treat ENT infections, upper respiratory tract infections and cutaneous infections, and they are alternative to penicillins basically, and they are active against gram negative bacteria like Proteus, Klebsiella, Enterobacter, jiske against mein kuch penicillins nahi thi, and it can also help to treat septicemias and gonorrhea and typhoid as well. Right, and now let's talk about the third C, that is carbapenems. So we have completed penicillin, cephalosporin, and this is the carbapenem. Carbapenems, basically these are the third group that comes under the beta lactams, and the first drug is, and the basic drug is imipenem. Imipenem is the prototype drug of the carbapenems. Imipenem, carbapenem, right? So jiske andar bhi pinem pinem aa raha, that is a carbapenems drug. It is having a broad spectrum, effective against gram positive, gram negative and various anaerobes, and yeah, it is also effective against pseudomonas as well. But guys, we have to give this drug with the cisplatin, because kidney mein jaake ye broken down ho sakti hai, because kidney ke andar ek enzyme present hota hai, dihydropeptidase enzyme. So guys, let me just repeat what I have said. So this is the broadest spectrum antibiotic, under carbapenems, imipenem, and it is effective against gram positive, gram negative and anaerobes as well, and it is also effective against pseudomonas. But guys, you have to give imipenem with the cisplatin. You have to give this drug imipenem with the cisplatin, because अगर हमने सिस्लास्टिन नहीं दिया, then imipenem would be broken down by the dihydropeptidase enzymes that is present in the kidney, और इसका action खत्म हो जाएगा. And guys, इसका बहुत ही ज्यादा side effect है, जो कि है seizures, and contraindication is for the epileptic patients. जैसे कि आपको समझ में आएगा, बिकॉज गाइज इमिपिनेम और कार्बापिनेम्स दे डिक्रीज द सीजर थ्रेशोल्ड. सो डिक्रीजिंग द सीजर थ्रेशोल्ड मींस दैट इवन विद द स्मॉलर स्टिमुलस सीजर कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट? जनरली वी आर हैविंग अ हाई थ्रेशोल्ड फॉर सीजर. सो जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ते जाते हैं वो उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर लेते हैं और सीजर के लिए
एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं, सीजर हो जाता है पेशेंट को। बट गाइस, जो इमिपेनम क्या करती है, इस थ्रेशहोल्ड को डिक्रीज कर देती है, इवन विद द सिंगल स्टिमुलाई और स्मॉलर मैग्नीट्यूड के स्टिमुलाई से भी सीजर कॉज हो सकता है। तो गाइस, जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर पहले ही थ्रेशहोल्ड इज ऑलरेडी डिक्रीज्ड, सो इनके अंदर ज्यादा पोटेंसी होती है सीजर्स प्रोड्यूस करने की इमिपेनम की, राइट? सो इट इज बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अंडर द एपिलेप्टिक पेशेंट्स, एंड यस, साइड इफेक्ट ऑफ द इमिपेनम इज अ सीजर्स बिकॉज इट कैन डिक्रीज द सीजर थ्रेशोल्ड, राइट? एंड इफ वी मूव फर्दर, तो कुछ एनिमेशन के मजे ले लो आप। बेसिकली टोनिक क्लोनिक फेज दिख रही है यहाँ पर, नहीं दिख रही है, बट सीजर टोनिक क्लोनिक फेज के अंदर आता है, जो भी आपका होता है रिजिडिटी वाला सीजर। सीजर्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं जो हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी पढ़ा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, हम अपने केस से भटक जाएंगे। जैसे हम कल भटक गए थे, कल हम पहुंच गए थे के प्लस ब्लॉकिंग ड्रग्स में, जो कि है एंटी अरिथमिक ड्रग्स, और हम भटक जाएंगे। फिर आप कहोगे कि क्लास बड़ी कर दी, टॉपिक से भटक गए थे। तो हम सिर्फ आज यही बात करेंगे कि साइड इफेक्ट इमिपेनम का इस सीजर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट। एंड नाउ देयर आर अदर सेफ कार्बापेनम्स, दैट इज मीरोपेनम, एल्टापेनम, डोरीपेनम एंड फेरोपेनम। मीरोपेनम, एल्टापेनम, डोरीपेनम एंड फेरोपेनम, राइट? दीज आर द सेफ कार्बापेनम्स एंड दे आर हैविंग फ्यूअर रिस्क ऑफ द सीजर बेसिकली, एंड दीज आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द डायहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द किडनी, सो वी डू नॉट रिक्वायर सिस लास्ट चेन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स, दीज आर सेफ ड्रग्स, राइट? एंड दे आर हैविंग फ्यूअर रिस्क ऑफ सीजर्स। बट गाइस, एपिलेप्टिक पेशेंट्स के अंदर ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होते हैं, मीरोपिनिम, एल्टापिनिम एंड डोरीपिनिम एंड फेरोपिनिम। दीज आर द न्यूअर कार्बापिनिम्स दैट आर डेवलप्ड, दीज आर सेफर देन द इमिपिनिम, एंड इमिपिनिम जैसे कि वो ब्रोकन डाउन हो जाता है डायहाइड्रोपेप्टिडेज से, ये ब्रोकन डाउन नहीं होते। सो गाइस, ऑल द कार्बापिनिम्स आर इंजेक्टेबल्स एक्सेप्ट फेरोपिनिम। फेरोपिनिम इज बेसिकली कैन बी अब्सॉर्ब्ड ओरली एंड ओनली एक्टिव एंटीबायोटिक अगेंस्ट, दीज आर द ओनली एक्टिव एंटीबायोटिक्स दैट आर एक्टिव अगेंस्ट एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लाइक क्लेबशिला। तो गाइज, हमने ना अभी तक स्टार्टिंग से हमने सिर्फ दो एंजाइम्स की बात करी है, पेनिसिलिनेज की, और दूसरी हमने बात करी कि बीटा लैक्टमेज की। सो बेसिकली दीज टू आर स्ट्रेन्स। सो हमने इसके लिए भी ड्रग बना ली, इसके लिए हमने एडजुवेंट्स दे दिए, तो हमने हमने सोचा कि हमारा काम खत्म हो गया, अब बैक्टीरिया के हम हर स्ट्रेन को खत्म कर सकते हैं। बट बैक्टीरिया जो थे वो तो बाहुबली निकले। बैक्टीरिया ने कहा कि तुम हम मेरे लिए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दोगे और उनको तुम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ दे दोगे, तो क्या मैं एक बार मरूंगा लेकिन दोबारा जिंदा होके जरूर आऊंगा। और वो दोबारा जिंदा होके आए और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रेन बना लिया क्लेपशला के अंदर, जिसके अंदर है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज स्ट्रेन, जो कि इवन इट कैन ब्रेक एमोक्सिसिलिन विद द क्लेविलोनिक एसिड, एंड सारी की सारी ड्रग्स को ये ब्रेक कर सकता है, एंड हमारी सारी की सारी जो भी एंटीबायोटिक्स थी वो इसके आगे खत्म हो गई। एंड बट कार्बापेनम्स इज पोटेंट अगेंस्ट दिस स्ट्रेन, राइट? एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कैन ऑल द एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट कार्बापेनम्स, यस वी आर हैविंग ओनली कार्बापेनम्स दैट कैन बी helped if we want to treat the extended spectrum beta lactamase strain, right? Because this is only an antibiotic that is inhibited to the extended spectrum beta lactamase, right? Because it can inhibit this strain. एंड ये डू यू नो के अंदर पता नहीं मैं क्यों लिख देता हूँ, डू यू नो के अंदर ये था, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप बताओ मुझे सुपर बग क्या है, सुपर बग की फुल फॉर्म क्या है, उसका फर्स्ट स्ट्रेन कहाँ निकला था और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। आई एम वेटिंग इन द चैट गाइस, प्लीज रिप्लाई फास्ट। अगर आपने स्लाइड के अंदर नहीं देखा
अच्छी बात है, देख लिया तो भी चैट के अंदर बता दो कि सुपर बग का नाम क्या है, सुपर बग की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, राइट? बिकॉज सुपर बग एक ऐसा स्ट्रेन है जो कार्बापेनिम्स को भी ब्रेक कर सकता है, राइट? सुपर बग एक ऐसा स्ट्रेन है जिसने कार्बापेनिम्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बताओ और इसका नाम बताओ और फर्स्ट सुपर बग कहाँ मिला था, कहाँ डिटेक्ट हुआ था वो भी बताओ, राइट? प्लीज रिप्लाई फास्ट इन द चैट गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम वेटिंग। प्लीज रिप्लाई कर दो। यस, रिप्लाई आ चुका है दैट न्यू दिल्ली मिटेलो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन। अगर आपने स्लाइड नहीं देखी थी तो बहुत बढ़िया, देख भी ली तो भी बहुत बढ़िया, बिकॉज आंसर तो आया एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज कॉलेज चेन। और अब अगर आंसर आ गया तो आप नहीं भूलोगे, सो थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग गाइज। एंड न्यू दिल्ली मिटेलो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन था एंड दीज स्ट्रेन कैन इवन ब्रेक कार्बापेनिम्स एंड दस वी गेव देम अ नेम सुपर बग। एंड गाइज वी आर हैविंग ओनली अ सिंगल ड्रग कोलिस्टीन दैट कैन ब्रेक एनडीएम एंड दस ड्रग ऑफ चॉइस इज कोलिस्टीन फॉर एनडीएम न्यू दिल्ली मेटेलो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, राइट? सो कोलिस्टीन का दूसरा नाम अगर आपको पता है तो बता दो, कोलिस्टीन का अगर आपको दूसरा नाम पता है तो बता दो। मैं लिख देता हूं पॉलीमिक्सिन, कौन सा पॉलीमिक्सिन जरा चैट में बताओ, बी और ई, ई और बी। कोलिस्टीन का दूसरा नाम इज वन ऑफ द पॉलीमिक्सिन, आइदर बी और ई और ई और बी, कौन सा है फटाफट से बता दो। एंड हाँ बता दो फिर आगे चलेंगे। यस पॉलीमिक्सिन ई, यू आर राइट, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, यू आर राइट पॉलीमिक्सिन ई। तो गाइज मोनोबैक्टम्स की बात करें तो हमने दिस इज द फोर्थ ग्रुप अंडर बीटा लैक्टेम्स, पीसीसीएम, पी इज कंप्लीटेड, पेनिसिलिन्स आर कंप्लीटेड, सेफेलोस्पोरिन्स आर आल्सो डन, कार्बापेनिम्स आर आल्सो कंप्लीटेड एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट मोनोबैक्टम्स। इन मोनोबैक्टम द ड्रग इज एजिट्रियोनाम, राइट? एंड दिस इज द ओनली एक्टिव ड्रग अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड सूडोमोनास गाइस। बेसिकली इसका स्पेक्ट्रम सिर्फ ग्राम नेगेटिव को ही ट्रीट करती है और सूडोमोनास को ट्रीट करती है, राइट? सो मोनोबैक्टम्स आर इंडिकेटेड फॉर ट्रीटिंग द ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन और सूडोमोनल इन्फेक्शन, राइट? ग्राम पॉजिटिव पर इसका इफेक्ट नहीं आता। सो गाइज जैसे जैसे हम यहां से यहां बढ़ते गए, बीच में हमारा एक ग्रुप आया था जिसके अंदर इट वॉज इनहिबिटिंग ऑल द बैक्टीरियाज, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज एंड इट वॉज हैविंग द वाइड स्पेक्ट्रम, बट गाइज लास्ट में आते आते ग्राम नेगेटिव हमारा खत्म हो गया। हमने स्टार्ट करा था ग्राम पॉजिटिव से, पेनिसिलिन से, और लास्ट ग्रुप जो मोनोबैक्टम है उस पर ग्राम पॉजिटिव खत्म हो गया, ग्राम नेगेटिव स्टार्ट हो गया, राइट? समझ पा रहे हो आप? एंड या दिस कैन नॉट शो एनी क्रॉस एलर्जी लाइक आई हैव सेड अर्लियर इन द फ्यू प्रीवियस स्लाइड्स। जैसे कि मैंने कहा था क्रॉस एलर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लाइक इफ पेशेंट इज एलर्जिक टू एनी ऑफ द पेनिसिलिन और एनी ऑफ द बीटा लैक्टम, सो वो उस एलर्जी, अगर हम उसको कोई सी भी ड्रग देंगे लाइक एमोक्सिसिलिन से वो एलर्जिक है, तो अगर हम उसको कोई भी सिफ्लोस्पोरिन देंगे, सेफ्ट्राक्सोन देंगे, तो वो एलर्जी प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होगी, बट अगर हम मोनोबैक्टेरियम्स देंगे तो एलर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी. सो बेसिकली इट डू नॉट शो एनी क्रॉस एलर्जी एंड मेन इंडिकेशंस ऑफ एजिट्रियोनाम आर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूरिनरी बिलियरी जीआईटी एंड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट्स, राइट. सो दीज आर द मेन इंडिकेशंस ऑफ एजिट्रियोनाम, बेसिकली नोजोकोमियल इन्फेक्शंस. Nosocomial infections are basically infections that are caused by the gram-negative bacteria, and they are more resistive strains, guys. These strains are more resistive, and basically urinary like UTIs होने के chances होते हैं, biliary GIT and female genital tracts पर होने के chances होते हैं. So azithromycin is a preferred drug, and now let's talk about the vancomycin, other drug from the wave of our drugs. So we have done beta lactams, and now it's the time to do vancomycin. Vancomycin is a glycopeptide. Vancomycin के साथ हमने एक सिंड्रोम की बात करी थी, that is red man syndrome. और जब तक मैं आगे पढ़ा रहा हूं तब तक आप ये सोचो कि ब्लू मैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग करवाती है, बेसिकली विच ड्रग कैन कॉज ब्लू मैन सिंड्रोम. अब तो यार ब्लू मैन सिंड्रोम ना बहुत ही ज्यादा बार डिस्कस हो चुका है क्लास के अंदर, सो फटाफट से रिप्लाई आ जाना चाहिए जब तक हम आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली वैनकोमाइसिन इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव ओरली, इट इज गिवन बाय आई वी रूट, एंड बाय गिविंग इट थ्रू द आई वी रूट इट कैन रिलीज अ लॉट ऑफ हिस्टामिन. And with the, as all of you must be knowing that histamine is an inflammatory mediator. So on the addition of most of the histamine in the blood vessel, there is all the symptoms like inflammation throughout the blood, like swelling of the superficial tissues, redness, itching and all of that. So ye sab aapke जो भी सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के होते हैं दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड पेशेंट रेड होने के चांसेस, रेड अपीयर करता है बिकॉज फ्लशिंग हो गई, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड हो गई, ब्लड आपके सुपरफिशियल टिश्यूज के अंदर आ गया. सो दैट्स व्हाई द मैन अपीयर्स रेड, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सिंड्रोम एज रेड मैन सिंड्रोम. यस, आंसर सही आ गया, एमियोडेरॉन, यू आर राइट. ब्लू मैन सिंड्रोम इज कॉज बाय एमियोडेरॉन. एमियोडेरॉन इज अ एंटीअरिथमिक ड्रग. सो vancomycin is highly nephrotoxic and highly ototoxic drug, but it is not effective against pseudomonas, right? Vancomycin is highly nephrotoxic and highly ototoxic drug, and it is not effective against pseudomonas. Pseudomonas ke khilaf koi activity show nahi karti, and this acts by inhibiting cell wall, right? This is also a cell wall inhibitor. So do you know के अंदर मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ कि ब्लू मैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग करती है, एंड आपका आंसर आ चुका है, ब्लू मैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एमियोडेरॉन. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो गाइज, यूज ऑफ द वैनकोमाइसिन, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट शेफ ऑरियस के अगेंस्ट वी यूज वैनकोमाइसिन. गेस वैनकोमाइसिन इज बेसिकली वॉज प्रेफर्ड टू ट्रीट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट शेफ ऑरियस इन्फेक्शन, बट नाउ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट शेफ ऑरियस ने अपना लेवल बढ़ा दिया है बिकॉज बाहुबली है ये बैक्टीरिया तो, और ये वैनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस हो चुका है. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस बैक्टीरिया एज वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस वर्सा. और वर्सा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज डैप्टोमाइसिन, राइट. सो हमने सबसे पहले स्टेफ ऑरियस के लिए देनी होती है. स्टेफ ऑरियस के लिए वी यूज बेसिकली एमोक्सिसिलिन एंड ऑल ऑफ द ड्रग्स, एम्पीसिलिन और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, बट ये रेजिस्टेंट हो गई. फिर हमने मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो गई. मेथिसिलिन के बाद हमने क्या दी, वैनकोमाइसिन दी, वैनकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट हो गई. वैनकोमाइसिन के बाद डैप्टोमाइसिन दी, एंड या डैप्टोमाइसिन इज स्टिल इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट वर्सा. सो वी आर हैविंग अनदर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्सा, दैट इज डैप्टोमाइसिन, राइट. बट क्विनप्रिस्टिन एंड डैफ्लोप्रिस्टिन कैन ऑल्सो बी यूज, एंड लिनेजोलिड कैन ऑल्सो बी यूज.
तो अगर हमने सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की भी बात कर ली थी सिफेलोस्पोरिंस में, सो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के कॉजेस क्या हो सकते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, यस। तो बेसिकली इट इज अ सुपर इन्फेक्शन ऑफ द क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल बैक्टीरिया, डिफिसिल बैक्टीरिया, जो भी आप कहना चाहो, डिफिकल और डिफिसिल बैक्टीरिया। एंड दिस सुपर इन्फेक्शन इज ड्यू टू द थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंड क्लिंडामाइसिन। दीज टू ड्रग्स कैन कॉज सुपर इन्फेक्शन ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल एंड दस कैन कॉज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज वैनकोमाइसिन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर ग्लाइकोपेप्टाइड्स। भाई बहन ऑफ वैनकोमाइसिन, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ वैनकोमाइसिन, सो दे आर टीकोप्लानिन, ओरिटावैसिन, डेल्बावैसिन, टेलावैसिन। डीज कैन नॉट कॉज रेड मैन सिंड्रोम। तो कौन से है भाई बहन वैनकोमाइसिन के? टीकोप्लानिन, ओरिटावैसिन, डेल्बावैसिन, टेलावैसिन। सो दीज आर बेसिकली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वैनकोमाइसिन, टीकोप्लानिन, ओरिटावैसिन, डेल्बावैसिन, टेलावैसिन। एंड आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नाउ कम्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर हमने पहले भी बात करी थी टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ द टीआरएनए टू द ए साइट, अमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट। बेसिकली अमाइनो एसाइल टीआरएनए को ब्लॉक करता है टू बाइंड इट ऑन द ए साइट एंड इट बाइंड्स टू द 30S राइबोसोम। आपको याद होगा इट बाइंड्स टू द 30S राइबोसोम, राइट? बट बाकी सारी ड्रग्स 50S पे बाइंड होती है, बट एमाइनो ग्लाइकोसाइड 30 और 50 दोनों पर बाइंड होती है। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द ओनली एक्सेप्शन दैट बाइंड्स टू द 30S राइबोसोम। सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द टेट्रासाइक्लिन, इट इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ द एमाइनो एसाइल टीआरएनए टू द एक्सेप्टर साइट बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोम। एंड क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट द ज्वाइनिंग ऑफ द टू अमीनो एसिड एंड दस दे इनहिबिट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड इट क्लोरामफेनिकोल बेसिकली बाइंड्स टू द 50S राइबोसोम। मैक्रोलाइड्स इनहिबिट ट्रांसलोकेशन, क्लिंडामाइसिन इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन, क्विनप्रिस्टिन इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन विद बिकॉज बेसिकली दीज ड्रग्स बाइंड टू द 50S राइबोसोम, right? And amino glycosides, they also binds to 50S ribosome, but there is an exception, streptomycin. Streptomycin binds to the 30S ribosome, and thus we have talked about the mechanism of all the drugs. And if we talk about the tetracycline, if we talk about the drugs under the tetracycline, so first of all, tetracycline, oxytetracycline, chlorotetracycline, demeclocycline, doxycycline, minocycline. So guys, doxycycline is basically safe in the case of renal failure patients, and it is also a drug of choice for scrub typhus. But minocycline is the highest, can cause vestibular dysfunction, right? And demeclocycline is the most phototoxic and the highest risk of diabetes insipidus, right? And adverse effects, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, कपिल देव थे. So, Kapil Dev, basically these are the adverse effects. So, it can cause nephrotoxicity and it can cause kidney failure. But exception is doxycycline. जैसे मैंने आपको कहा कि ये safe होता है renal failure के अंदर और it cannot cause nephrotoxicity and kidney failure नहीं करवा पाता, तो doxycycline is safe in the case of renal failure patients or it cannot cause nephrotoxicity. And tetracycline is basically anabolic drugs. Plus, they can cause phototoxicity, they can cause diabetes insipidus, they can cause hepatotoxicity as well, they can be bind to the dentition or bony tissue, that's why they are contraindicated in pregnancy, and they are not to be given after the expiry date. एक्सपायरी डेट के बाद तो आपको कोई सी भी ड्रग नहीं लेनी होती, बट अगर अगर कोई भी पेशेंट एक्सीडेंटली एक्सपायरी डेट की टेट्रासाइक्लिन ले ले, देन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ, हाई चांसेस ऑफ Fanconi syndrome. So there is a high risk of Fanconi syndrome. So Fanconi syndrome can be developed after taking the expiry drug, expiry tetracycline, and administration of the expiry tetracycline is basically accidental. No one will take expiry drug, guys. या तो suicidal cases में हो सकता है और accidental cases के अंदर हो सकता है कि accidentally, unknowingly किसी ने expiry date वाली drug ले ली, right?
And it can cause high vestibular dysfunction. These drugs can cause vestibular dysfunction as well. And the uses हमने श्रीलंका की बात करी थी, so they are used in the SIDH, rickettsia, granuloma inguinal, lymphogranuloma venerum, atypical pneumonia, cholera, luminal amebiasis, right? So luminal amebiasis or to treat the infection या to kill the parasite Entamoeba histolytica, हम metronidazole is preferred over this class. Over the tetracycline, metronidazole is preferred. And chlamydial infections like granuloma inguinal, lymphogranulomatum venerum, these all are chlamydial infections. And yeah, iske andar drug of choice hai. We will prescribe tetracyclines in this case. And rickettsia ke andar bhi, rickettsia ke andar bhi drug of choice is doxycycline. Basically, we prefer doxycycline. Doxycycline is the drug of choice for treating the rickettsial infections, rickettsial infections basically. So, यहीं पर मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कि scrub typhus fever किसकी वजह से हो सकता है यार? ये पेट क्वेश्चन है, मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ. एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी एंड आपने मुझे बताया भी था. तो स्क्रब टाइफस फीवर किसकी वजह से होता है, प्लीज रिप्लाई इन द चैट, नहीं तो मैं बता, मुझे तो बताना ही है. और एसआईडीएच के अंदर डेमेक्लोसाइक्लिन, सो आई एम वेटिंग गाइज, प्लीज रिप्लाई फास्ट दैट स्क्रब टाइफस फीवर किसकी वजह से हो सकता है. ये पेट क्वेश्चन होता है मेडिसिन के टीचर्स का. Because किसी को भी याद नहीं रहता स्क्रब टाइफस किसकी वजह से होता है, बट ये कैसे कोई भूल सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता. अगर किसी ने एक बार सुन लिया कि स्क्रब टाइफस फीवर इसकी वजह से हो रहा है, तो उसका नाम ही इतना अजीब सा है कि याद रह जाता है अपने आप ही, राइट? जैसे हमने कल एक एरिथमिया की बात करी थी ना, टॉर्सिडीज जी पॉइंटिस की, वो भी बहुत अजीब सा एरिथमिया. यस आंसर आ चुका है, यस 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 यू आर राइट. और येंटा बेसिकली सुसुगामुशी, या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, स्क्रब टाइफस ओरिएंटा सुसुगामुशी, एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज डॉक्सीसाइक्लिन. थैंक यू सो मच, यू आर राइट, यू आर राइट. अब सब लोग इसको याद रखेंगे. And now let's talk about the chloramphenicol. It's a protein synthesis inhibitor. It binds to the 50S ribosome and inhibits the joining of the amino acid, as I earlier told you. And it doesn't comes under the BMFR drug, so it is a bacteriostatic drug and rarely used now because it is a toxic drug and it is not effective because most of the resistant strains are present against this antibiotic. It was initially the drug of choice for enteric fever, but basically it was used to treat the Salmonella typhi and Salmonella paratyphi infections, but now most of the Salmonella typhi and paratyphi have produced some resistant strains against this antibiotic, so this is basically not used nowadays. And we are having high risk of causing bone marrow suppression, so chloramphenicol can cause bone marrow suppression, so it is not at all prescribed drug, because if we want to treat a small infection, basically acute infection basically, तो अगर उस patient को bone marrow suppression हो गया तो हम नहीं handle नहीं कर पाएंगे हम ये risk, तो हम नहीं prescribe करेंगे. And nowadays it is mainly used for the meningitis for the bacteria that is resistant to ceftriaxone, right? So basically we use this for the prophylactic treatment of the meningitis. So jo bacteria they are resistant to the ceftriaxone hum unme dete hain. Aur chloramphenicol is contraindicated in infants because it can cause gray baby syndrome. Gray baby syndrome ke bare mein agar baat kare to basically cardiovascular collapse mein patient जो आप इन्फेंट है वो चला जाता है एंड ग्रे साइनोसिस अपीयर होता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल द बेबी एज ग्रे बेबी सिंड्रोम. साइनोसिस, ग्रे साइनोसिस प्रोड्यूस होता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स में चला जाता है, फीडिंग स्टॉप हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ऑल द सिम्टम्स अपीयर्स.
राइट एंड मैक्रोलाइड्स, अब हम आते हैं मैक्रोलाइड्स पे. सो मैक्रोलाइड्स आर जस्ट लाइक पेनिसिलिन, दे आर सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेनिसिलिन. बेसिकली एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, फिडाक्सोमाइसिन एंड दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लैप, शैनक्रॉइड, लिग्वेनेला, एटिपिकल निमोनिया एंड पर्ट्यूसिस. तो गाइस मैक्रोलाइड्स आर बेसिकली द सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेनिसिलिन एंड द ड्रग्स आर एज अंडर एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, फिडाक्सोमाइसिन एंड दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लैप, शैनक्रॉइड, लिग्वेनेला, एटिपिकल निमोनिया एंड पर्ट्यूसिस. एंड साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स आर एज मैक्रो, वी शुड रिमेम्बर दिस एज मैक्रो. फर्स्ट इज, यू कैन से फर्स्ट इज अ साइड इफेक्ट बट इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इफेक्ट इफ इफ अ पेशेंट इज हैविंग डायबिटिक पैरा न्यूरेसिस एंड बेसिकली पैरालिटिक इलियस, जिसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं. उसके अंदर मोटिलिन रिसेप्टर हमें स्टिमुलेट करने पड़ते हैं, मोटिलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है. सो इफ वी गिव मैक्रोलाइड्स टू दोज पेशेंट्स तो उनके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है वो ट्रीट हो जाएगा, बट इट कैन कॉज, बट अगर ये नॉर्मल पेशेंट के अंदर मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो इट कैन कॉज डायरिया. नॉर्मल पेशेंट के अंदर डायरिया कॉज कर देगा, बट जो पेशेंट जिसके अंदर पैरालिटिक इलियस और डायबिटिक न्यूरोपैथी है जीआईटी की, तो उसके अंदर ये कौन सी पेशेंट उनको जो हो रखा है वो ठीक कर देगा. राइट एंड एलर्जी के, एलर्जी इट कैन कॉज एलर्जी. यस आई सेड दैट एवरी ड्रग कैन कॉज एलर्जी एक्सेप्ट एंटीहिस्टामिनिक्स, और आपका जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है एलर्जी होगी या नहीं होगी. एंड कोलेस्टेसिस, यस इट इज हैविंग अ हाई रिस्क ऑफ कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी गाइज. सो प्रेगनेंसी के अंदर हम दिस इज कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क एंटीबायोटिक, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, बट जनरली वी डोंट प्रेफर मैक्रोलाइड टू बी गिवन इन द प्रेगनेंसी. राइट एंड इट कैन कॉज रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी. मैकेनिज्म हमने समझ लिया था जब हमने ये चीज पढ़ी थी, मैक्रोलाइड्स पढ़े थे. अगर अभी एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली लैबिरिंथ फ्लूइड के अंदर ये चीज, जो ड्रग है वो एंटर होगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी. राइट सो प्लाज्मा के अंदर या सीरम के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन है लैबिरिंथ के अंदर. तो ये ड्रग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लैबिरिंथ के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद प्लाज्मा के अंदर से ये एक्सक्रीट हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी. तो आफ्टर द एक्सक्रीशन एंड द मेटाबॉलिज्म, प्लाज्मा के अंदर जो डोज है वो डिक्रीज हो गई, ड्रग की एक्टिव ड्रग है वो डिक्रीज हो गई. तो फिर क्या होगा, फिर अनदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, बट अब वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, लेबरिन से प्लाज्मा में आएगी ड्रग, बिकॉज लेबरिन इज कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ द ड्रग दैन द प्लाज्मा और द सीरम. राइट तो लेबरिन से अब प्लाज्मा में डोज ड्रग आएगी, और जब तक ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता, और ऐसे रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी होगी बिकॉज दोनों साइड से परमिएबल है, वो एंटर भी कर सकती है लैबरिंथ के अंदर और एग्जिट भी कर सकती है लैबरिंथ से. राइट सो द ड्रग्स बेसिकली एंटीबायोटिक्स दैट आर सेफ इन प्रेगनेंसी आर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स एंड मैक्रोलाइड. मैक्रोलाइड्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, प्रेगनेंसी के अंदर मैक्रोलाइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, बट इट इट इज हैविंग अ हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग कोलेस्टेसिस, इसलिए वी जनरली डू नॉट प्रेफर दिस ड्रग. राइट एंड रिवर्सिबल ऑटोटॉक्स, इररिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी इज सीन विद द सिसप्लास्टिन एंड वैनकोमाइसिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड. राइट सो इन दीज थ्री ड्रग्स देयर इज इररिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी, परमानेंट डैमेज इज सीन, बिकॉज लैबरिंथ के अंदर ड्रग जा तो सकती है बट बाहर नहीं आ सकती. राइट ड्रग एक बार एंटर हो गई तो वो बाहर नहीं आ सकती लैबरिंथ के अंदर, सो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी एंड परमानेंट नर्व फाइबर्स को डैमेज कर देगी. एंड गाइस क्लिंडामाइसिन की अगर हम बात करें, सो क्लिंडामाइसिन इज द ड्रग दैट कैन कॉज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड बेसिकली इट इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रीट एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड इट इज सिक्रेटेड इन बाइल, सो इट इज आल्सो सेफ इन रीनल पेशेंट, रीनल फेलियर पेशेंट्स. राइट क्लिंडामाइसिन इज सिक्रेटेड इन बाइल, सो इट इज आल्सो अ सेफ ड्रग फॉर अ रीनल
failure patient, and it is used in anaerobic bacterial infections. Major uses are cocci's, both gram positive and gram negative, and anaerobes and parasites. Right. And now let's talk about the most important, और ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को ट्रीट करने के काम में आती है. एंड दीज आर स्ट्रेप्टोग्रामिन्स. दे आर इंडिकेटेड इन बेसिकली वर्सा, बट दे कैन बी यूज इन वर्सा वी आर ई, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज डेप्टोमाइसिन. राइट. And now comes aminoglycosides. Aminoglycoside ke andar streptomycin. This was the oldest drug under the aminoglycoside. It is not at all orally effective because you can say this is an acid labile or basic drug. And if we take another example of gentamicin, it is basically used to treat gram negative and oral absorption is also good. Tobramycin, natalmycin, neomycin, capreomycin, kanamycin, amikacin, in sabka oral absorption is pretty good than streptomycin if we compare them to the streptomycin. So gentamicin, they are mainly active against the gram negative bacterias and Pseudomonas, and tobramycin is not at all effective against anaerobic bacteria. So ye kahin likh lo ki gentamicin is effective against gram negative bacteria, tobramycin is not active against anaerobic bacteria, and natalmycin is basically a cidal drug. Basically these all are cidal drugs. Yes, they come under BFR drugs. These are the last component of the BFR drugs, but natalmycin, even at low concentrations, even at very low concentrations, it can cause basically killing of the bacteria. So it is a side, it we call the natalmycin as the cidal drug action because it can cause killing of the bacteria at very low doses. Right. Capreomycin and kanamycin and amikacin, they both are ototoxic. And maximum nephrotoxicity is shown by neomycin. Right. Capreomycin, kanamycin, amikacin, they all the three are ototoxic, and maximum nephrotoxicity is shown by neomycin. Or neomycin ka humne ek use ki baat kari thi, hepatic coma. Hepatic coma ka mechanism main abhi bhi chote ke form mein discuss kar lunga. So streptomycin is basically used for the TB and plague. It comes under the first line drugs, first line group for the TB. Streptomycin is considered as the was considered as the best drug of the TB, but ab nahi hai. Ab iske khilaf bhi resistant develop ho chuka hai. So, but yeah, it comes, but still it is present in the first line drug. Capreomycin, kanamycin, amikacin, they are second line drug for the TB, and neomycin can basically, neomycin is indicated in the hepatic coma and it is given orally. So hepatic coma the phenomena agar hum samjhe to aisa kuch hota hai ki ek gram negative bacteria hai. Gram negative bacteria produces an enzyme that is called as urease. So guys, urease ki wajah se kya hota hai, all the urea is converted to ammonia. So guys, क्या होता है कि gram negative bacteria अगर हमारे gut के अंदर gram negative bacteria की काफी सारी quantity हो गई, infection हो गई, so a lot of urease will be produced, and urease convert urea to ammonia. So guys, ammonia will be accumulated in the blood. Ammonia will be accumulated in the blood, and guys, इसकी quantity बहुत ही ज़्यादा increase हो जाती है, और it can cross blood-brain barrier, and CNS के अंदर इसकी concentration increase होने की वजह से patient hepatic coma में चला जाता है. So guys, coma में चला जाता है, और हमने इसको hepatic इसलिए कहा because liver
वजह से जाता है। बेसिकली यूरियस एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस तो लीवर के अंदर होता है, एक्टिव लीवर के अंदर होता है। लीवर विल कन्वर्ट ऑल द यूरिया टू अमोनिया एंड अमोनिया विल बी एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड दस ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट। So now if we talk about the sulfonamides, sulfonamides are the structural analog for the PABA. कल एक ने एक query आई थी मेरे पास, so he was asking the basic mechanism of the sulfonamides, वो हम आज लेंगे। तो but मैं उस but मुझे दिख नहीं रहा कि वो कहाँ है जिसने क्वेरी पूछी थी। आई थिंक ही इज एब्सेंट, बट हमें तो करना ही पड़ेगा, हम स्किप नहीं कर सकते कोई भी चीज को, हम डिस्कस करेंगे। मे बी वो बाद में देख लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे हम। एंड सल्फोनामाइड्स की अगर हम बात करें तो सल्फाडॉक्सिन, सल्फासाइटेन, सल्फासोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फासेलाजिन, सल्फाडायाजिन, मेफेनाइड, डैप्सोन। सो गाइस दीज ऑल आर द ड्रग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर सल्फासेलाजिन, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडायाजिन, मेफेनाइड, डैप्सोन। दीज ड्रग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ये है मैकेनिज्म गाइज। सो सल्फोनामाइड्स क्या है? पाबा के ना स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं। तो गाइज जो भी बैक्टीरिया अपना खुद फॉलिक एसिड जनरेट करता है ना, उसके अंदर सल्फोनामाइड्स आर एक्टिव बेसिकली। और जो भी ड्रग, जो भी बैक्टीरिया अपना फॉलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता ना, उनके अंदर सल्फोनामाइड्स की सेंसिटिविटी नहीं होती। तो गाइस जो भी बैक्टीरियाज स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं, बेसिकली जो भी बैक्टीरिया अपना फॉलिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है कि पाबा जो है, पाबा इज बेसिकली नथिंग बट बट सल्फोनामाइड्स का स्ट्रक्चर पाबा जैसा होता है। तो पाबा टेरिडीन के साथ मिलता है, डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाता है, फिर डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनाता है, DHFA। After that, tetrahydrofolic acid बनाता है, and then FAH4 cofactors, और ये सब thymidine, purines, और methionine, glycine, FMET, tRNA की वजह से DNA, RNA और proteins का formation होता है। So guys, folic acid synthesis कैसे होता है bacteria के अंदर, ये process होता है, and the immediate and the first step is PABA and pteridine। बट गाइज ये स्टेप पूरा ही नहीं हो पाता अगर सल्फोनामाइड लग जाएगा। सल्फोनामाइड इस पाबा की जगह पर आके खुद आ जाता है और रिएक्शन होता है सल्फोनामाइड प्लस टेरिडीन। सो सल्फोनामाइड और टेरिडीन अगर मिलेंगे तो कुछ भी आगे प्रोसीजर हो ही नहीं पाएगा, ना डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बन पाएगा, ना DHFA, ना THFA, और फॉलिक एसिड नहीं जनरेट हो पाएगा। और जनरली DNA सिंथेसिस रुक जाएगा, RNA सिंथेसिस रुक जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा उस बैक्टीरिया का। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स, राइट। एंड एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, देन ABC rash बेसिकली ए प्लास्टिक एनीमिया, बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट, इट कैन कॉज कर्निक टेरस इन न्यू बॉर्न्स। कर्निक टेरस अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे चैट के अंदर बताओ, मैं अभी बता दूंगा। अगर ये खत्म करते वक्त अगर चैट में रिप्लाई नहीं आया तो मैं कर्निक टेरस बता दूंगा। एंड सी इज क्रिस्टलूरिया, आर इज रैश, ए इज एसिडाइलेशन, एस इज SLE बेसिकली सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस, और ये एच इज हीमोलिसिस इन द केस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कर्निक टेरस। कर्निक टेरस क्या होता है? सो गाइज न्यू बॉर्न्स का ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म नहीं होता अच्छे से, राइट, एडवांस नहीं होता। सो गाइज क्या होता है, अगर बिलीरुबिन आएगा, बिलीरुबिन आया, अगर अगर न्यूबॉर्न्स के अंदर यस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है न्यूबॉर्न्स के अंदर, बिकॉज लीवर इज आल्सो नॉट डेवलप्ड। सो न्यूबॉर्न्स के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो होता है, बट अगर उस जॉन्डिस की, अगर उस बिलीरुबिन की क्वांटिटी सीवियरली हाई हो जाती है ना, सो व्हाट हैपेंस गाइस, सारा का सारा बिलीरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते करके न्यूबॉर्न के बेजल गैंग्लिया में जाके घुस जाता है, बेजल गैंग्लिया के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। एंड दिस डिपॉजिट
And this deposited bilirubin can cause carnic tears. Basically, neurological manifestations produce होती हैं and the newborn can die as well, guys. I hope carnic tears समझ में आ गया होगा. Physiology है basically, right? Because physiological jaundice हर एक newborn के अंदर होता है because liver इतना developed नहीं होता. Bilirubin बढ़ जाता है. Bilirubin की severe increasing quantity अगर हो जाए तो वो basal ganglia में जाके स्टोर हो जाता है एंड दस वो कर्निक टेरेस कॉज कर देता है. न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं और डेथ भी हो सकती है. तो तभी हम फोटोथेरेपी देते हैं. जैसे आपने कई बार अगर अपने हॉस्पिटल में कोई किसी भी हॉस्पिटल में देखा हो फोटोथेरेपी हो रही होती है. फोटोथेरेपी इज बेसिकली ब्लू लाइट के अंदर एक चेम्बर होता है जिसके अंदर ब्लू लाइट होती है एंड उसके अंदर न्यूबॉर्न्स को इन्फेंट्स को रखा होता है. सो दैट इज नथिंग बट अ फोटोथेरेपी. सो उसकी वजह से आपका बिलीरुबिन को सुपरफिशियली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए इसीलिए इजीली, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द को ट्राइमोक्साजोल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल. एंड गाइज इन द टैबलेट वी आर हैविंग द रेशियो ऑफ 1% ऑफ द ट्राइमेथोप्रिम एंड 5% ऑफ द सल्फामेथोक्साजोल एंड इन द सीरम दे अटेन्स 1% ऑफ द ट्राइमेथोप्रिम एंड 20% ऑफ द सल्फामेथोक्साजोल इन द ब्लड. एंड गाइस ड्रग ऑफ चॉइस इज बेसिकली पीएनबी बैंक, न्यूमोसिस्टिस जुरेबिका, नोकार्डिया एंड बुकोल्डेरिया सिपेशिया, राइट. पी एन बी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है कोट्राइमोक्साजोल. एंड गाइज सल्फोनामाइड के अंदर कोई भी सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं यूज होती, ऑब्सोल्यूट हो चुकी है. बट टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं लाइक मेफेनाइड की हमने बात करी थी, सल्फा डायाजीन की बात करी थी, राइट. एंड सल्फा डॉक्सिन और पायरीमिथामिन दे आर इंडिकेटेड इन मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा. यस हमने दो कॉम्बिनेशन की बात करी थी, एक सल्फाडॉक्सिन और पायरेमिथामिन, एक सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का. सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम दे फॉर्म कोट्राइमोक्साजोल एंड सल्फाडॉक्सिन एंड पायरामिथामिन दे फॉर्म मले दे आर एक्टिव अगेंस्ट द पैरासाइट्स लाइक मलेरिया एंड बेसिकली प्लाज्मोडियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्विनोलॉन्स. क्विनोलॉन्स आर डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स. दे इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन, राइट. सो फर्स्ट मेंबर वाज नेलिडिक्सिक एसिड. इट वाज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट नॉट सूडोमोनास एंड यस दे आर बैक्टीरियोसाइडल बिकॉज दे कम्स अंडर द बेव ऑफ आवर ड्रग्स. एंड जो क्विनोलॉन्स थे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जनरेट हो चुका है. दैट्स व्हाई हमने फ्लोरिनेट कर दिया उन क्विनोलॉन्स का एंड हमने न्यू ड्रग्स डेवलप कर दी. एंड द ग्रुप इज कॉल्ड एज फ्लोरोक्विनोलॉन्स. एंड गाइस न्यू ड्रग्स आर एज फॉलोज, नॉरफ्लोक्सेसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ओफ्लोक्सेसिन, स्पारफ्लोक्सेसिन, लीवोफ्लोक्सेसिन, मॉक्सीफ्लोक्सेसिन, गैटीफ्लोक्सेसिन, ट्रोवाफ्लोक्सेसिन. सो गाइस नॉरफ्लोक्सेसिन इज बेसिकली यूज्ड इन यूटीआईज बिकॉज इट गेट्स एक्सक्रीटेड इन द अनचेंज्ड फॉर्म और वो यूरेथ्रा के आसपास अनचेंज्ड फॉर्म में आ जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है. दैट्स व्हाई इट बेसिकली वी गेट द एक्टिव ड्रग इन यूरिन एंड एक्टिव ड्रग ट्रीट्स द यूटीआईज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. एंड गाइस इफ वी टॉक अबाउट द सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सो ओरल ड्रग एंड इट इज बेसिकली प्रिस्क्राइब फॉर द टाइफॉइड एंड इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंथ्रेक्स, बेसिकली को ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंथ्रेक्स, कोडीओसी फॉर एंथ्रेक्स एंड वन ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन जी ऑल्सो एंड ओफ्लॉक्सेसिन, स्पारफ्लॉक्सेसिन, लियोफ्लॉक्सेसिन. सो दीज ऑल ड्रग्स एनएरोबिकली भी एनएरोब्स को भी इनहिबिट करती हैं, बेसिकली लीवोफ्लॉक्सेसिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन एंड स्पारफ्लॉक्सेसिन एज वेल. स्पारफ्लॉक्सेसिन वाज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग एंड मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन वाज द सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग. गैटीफ्लॉक्सेसिन जैसे कि मैंने कल बताया था जी फॉर ग्लूकोज एंड जी फॉर गैटी, तो गैटीफ्लॉक्सेसिन डिसग्लाइसीमिया कॉज करती है पेशेंट्स के अंदर. आइदर इट कैन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल और इट विल डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल एंड ट्रोवाफ्लॉक्सासिलिन. एंड कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्यूटी प्रोलॉन्ग कर देती हैं और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का कल हमने मैकेनिज्म देखा था. अगर आप प्रेजेंट नहीं थे तो आप वहां जाके देख लो, राइट.
And now let's talk about the oral sidal. So guys, these all are fluoroquinolones, are oral sidal drugs. They are having wider spectrum, but they are contraindicated in pregnancy and in newborns. Basically, they can cause cartilage and tendon damage. They can induce seizures, and they are contraindicated in renal failure because, guys, because इसका मेन मेटाबॉलिज्म और मेन एक्सक्रीशन प्रोसेस इज थ्रू किडनीज. सो अगर किडनी फेल है तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इन द अनचेंज्ड फॉर्म. अगर किडनी अपना काम नहीं कर पा रही तो इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर पेशेंट्स एंड इट कैन ऑल्सो कॉज फोटोटॉक्सिसिटी. एंड हमने कल भी बात करी थी कुछ रेस्पिरेटरी एफक्यूज के बारे में. सो रेस्पिरेटरी एफक्यूज की स्पेशल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? सो बेसिकली ये सिस्टेमिकली इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर लेती हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं. सो गाइज दीज आर ओफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, गैटीफ्लॉक्सेसिन, लीवोफ्लॉक्सेसिन, बट गैटीफ्लॉक्सेसिन आर विदड्रॉन drugs from the India. Basically, this is only the drug that is withdrawn from the India, but ofloxacin, moxifloxacin, levofloxacin are safe. So these all drugs are respiratory FQs, and longest acting is varfloxacin, and the second longest acting is moxifloxacin. And guys, drug acting on the cell membranes are daptomycin and linezolid and polymyxin B and polymyxin E. So इन सब की हमने बात पहले ऑलरेडी कर चुकी है. सो डैप्टोमाइसिन इज बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्सा, बट नॉट इन द केस ऑफ वर्सा कॉजिंग निमोनिया एज इट डिक्रीजेस द पल्मोनरी सर्फैक्टेंट. सो गाइस डैप्टोमाइसिन का एक बहुत ही ज्यादा सीवियर डिसएडवांटेज है, इट कैन डिक्रीज द सर्फैक्टेंट. सो दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू ट्रीट द रेस्पिरेटरी निमोनिया बेसिकली. So, drug of choice for VRSA is daptomycin, but अगर वो VRSA pneumonia cause कर रहा है, then we will not give this drug daptomycin, we will prescribe linezolid. अगर VRSA की वजह से pneumonia हो रहा है, then the drug of choice is linezolid, right? But अगर daptomycin, बट अगर वर्षा की वजह से कोई और इन्फेक्शन हो रही है, एनी अदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन, तो डैप्टोमाइसिन विल बी प्रिस्क्राइब्ड. एंड अल्टीमेट ड्रग ऑफ चॉइसेस फॉर वर्षा इज डैप्टोमाइसिन ओनली. एंड गाइस पॉलीमिक्सिन बी एंड पॉलीमिक्सिन ई, दीज टू कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड फॉर वीआरई, वीआरएसए एंड अदर रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स. एंड नाउ गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझनी है, दैट इज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. This is a very important thing. हमने ये अच्छे से डिस्कस नहीं करा था पहले की क्लासेस के अंदर. This is the most important phenomena that a few antibiotics में होता है. ये basically this is the post antibiotic effect. This is the post antibiotic effect, and this applies to both sidal and static drugs. But हमने ऊपर जो CDK, TDK and AUCDK की बात करी थी, these were the phenomena that were followed by the sidal drugs. But here we are talking about the both. This phenomena it applies to both sidal and static drugs. And what is this phenomena is basically when the concentration of the antibiotic is less than the minimum inhibitory concentration, means MIC से decrease हो चुकी है उस antibiotic concentration, but the same antibiotic will show the further growth suppression, guys. Right? So एक हमने देखो मैं सेम ग्राफ बनाता हूं. तो हमने एक एंटीबायोटिक दी, उसकी पीक कॉन्सेंट्रेशन आई, फिर वो एक्सक्रीट हो गई. बट गाइस आफ्टर हमने जब सीरम में देखा कि 0 mg ड्रग है एक्टिव, फिर भी हमें कुछ टाइम तक उस बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेशन दिखेगी, बिकॉज गाइज सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स गेट पेनिट्रेटेड टू द बैक्टीरिया और उनको एक्टिवेट और या तो शो उनका
एक्टिवेशन होने में या उनको किल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? सो एज वो बैक्टीरिया के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है वो एंटीबायोटिक, तो वो सीरम से तो हट जाएगी ना, बट मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ उस ड्रग का, एक्सक्रीशन नहीं हुआ उस ड्रग का, बट हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते बाहर से, बिकॉज वो ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर जा चुकी है और आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स वो अपना एक्शन शो कर देगी. सो ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स हैव लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को जो भी इनिबिट कर रही है एंटीबायोटिक्स, उन सबका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होता है. बट द ड्रग्स विद शॉर्ट पीएईज अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर बीटा लैक्टिन्स, वैनकोमाइसिन एंड गाइस द ड्रग्स दैट आर हैविंग लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आर डीएनए ब्लॉकर्स, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉकर्स एंड कार्बापेनम्स. बेसिकली शॉर्ट पीएई वाली ड्रग कौन सी है? बीटा लैक्टेम्स एंड वैनकोमाइसिन. बीटा लैक्टेम्स एक्सेप्ट कार्बापेनम्स एंड द ड्रग्स विद व्हिच आर हैविंग अ लॉन्ग पीएईज आर डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड कार्बापेनम्स. गाइस प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन एंड एमाइनो ग्लाइकोसाइड. दीज ऑल ड्रग्स आर हैविंग लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. सो गाइज दिस वॉज ऑल गाइज, हमने एंटीबायोटिक्स खत्म कर लिए, वी हैव कम्प्लीटेड द एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स हमने कर लिए. सो हमने स्टार्ट करा था बीटा लैक्टेम से, देन वी हैव डन टेट्रासाइक्लिन, देन क्लोरामफेनिकॉल, देन हमने उसके बाद हमने पढ़ा क्लिंडामाइसिन, वैनकोमाइसिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, क्विनोलॉन्स. क्विनोलॉन्स तो हमने लास्ट में पढ़ा था. देन हमने डैप्टोमाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, डैफ्लोप्रिस्टिन, लिनेजोलिड, ये सब कवर करके पॉलीमिक्सिन ई एंड पॉलीमिक्सिन बी, ये सब हमने कवर कर लिए हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक अबाउट द एंटीबायोटिक्स. और अगर आपने ये सब लेक्चर सेशंस अटेंड करे हैं तो आप यूसी के अंदर और एमसीक्यू के अंदर, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम, थ्योरी एग्जाम, एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आप इजिली स्कोर कर पाओगे. This was the last class. This was the last session of the antibiotic. This was the sum up session, जिसके अंदर हमने सब antibiotics के important point discuss करे हैं. इस slide की basically इस session की हर एक slide, each and every slide is important. Each and every slide is important. आपको आनी चाहिए. अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप पीछे जाके एक बार देख सकते हो और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. अभी के अभी मैं कुछ टाइम तक लाइव चैट देखूंगा. अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप पूछ लो. एंड आई वांट टू कंक्लूड दिस क्लास बाय सेइंग दैट इफ प्लान डजंट वर्क, इफ योर प्लान डजंट वर्क, इफ योर प्लान फेल्स, देन चेंज योर प्लान, नॉट द गोल. Yes, when you are heading towards your goal, you will fail many a times. You will fail. Life will just throw you out from your path. You will be thrown out from your path. You will be alone. You will be lonely. No one will support you. कोई भी आपके साथ नहीं होगा. But अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने आप को मोटिवेट करो कि ये सिचुएशन आपके साथ इसीलिए क्योंकि आप अपने गोल के सबसे ज्यादा करीब हो. और अगर आपने कुछ टाइम तक अपना मोटिवेशन और आप अपना रास्ता चेंज नहीं करा तो आप अपने गोल तक इजीली पहुंच जाओगे. और गोल के बाद पहुंचने के बाद आपके पास सारे के सारे जो आप अकेले थे सब चीज खत्म हो जाएगी. आप हाईली मोटिवेटेड बन जाओगे. आपको लगेगा कि आप ही अचीवर हो, आप एक वॉरियर हो. सो गाइज इवन इफ लाइफ इज नॉट गिविंग यू राइट पाथ और आप अकेले हो, लोनली हो, आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होते तो लगे रहो, नए नए प्लान्स जनरेट करो अपने आप को रोज के रोज. चैलेंज करो, चैलेंज योर सेल्फ डेली एंड गोल तक पहुंचने के लिए अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखो. फाइट फॉर योर गोल्स और अचीव ऑल योर गोल्स एंड Stay healthy, stay fit, guys. We will be meeting today at 9 p.m. हम 9 p.m. को TB discuss करने वाले हैं.
We'll be discussing anti-tubercular drugs and we'll be discussing updated guidelines. कौन सी drugs होती हैं, कैसे act करती हैं, and हम थोड़ा सा extended version of TB पढ़ेंगे, सिर्फ pharmacology point of view से नहीं, but हर point of view से पढ़ेंगे. And do like this video, guys, and do subscribe this channel, my channel also, and use this code for getting 10% discount, and hit the subscribe button and hit the like button as well. And next video ke liye please set the reminder, taki aapke paas notification aa jaye. Reminder set kar loge to aapke paas notification aa jayegi jab bhi live session start hoga. So thank you so much, guys, for coming. Thank you so much for attending the class. Thank you so much. And till then, stay healthy. And we'll be meeting today at 9 p.m. Bye, guys. And tubercular drugs ke liye ready rehna. Thank you so much. And let's end this stream. And 9 बजे सब मिलना, और हमेशा stay positive, guys. हमेशा ही positive रहना. और अपने गोल्स तक अपनी लड़ाई जारी रखना, पाथ से कभी मत हटना. आप एक दिन जरूर अचीव कर लोगे. अगर आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो भी लगे रहो. वन डे आप इजीली पहुंच जाओगे. लेट्स स्टॉप दिस स्ट्रीम, गाइस, एंड वी विल बी मीटिंग टुडे एट 9 पीएम एंड वी विल बी डूइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. एंड टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड स्टे प्रिपेयर्ड. And we'll be meeting